गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की फ्रेश मॉर्निंग के साथ दयासर आपके सामने है। आज वैलेंटाइंस डे नहीं है, फिक्र ना करें। ये जो लाल रंग आप हर तरफ देख रहे हैं, इसका एक मकसद है, और इसका मकसद ये है कि आपकी जिंदगी पर रंगों की कितनी अहमियत है, इस बात पर आज हम रोशनी डालने वाले हैं। वैसे तो रोशनी की भी जिंदगी में बहुत अहमियत होती है, और ये जो रोशनी है इसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं, इस रोशनी में मुख्तलिफ रंग छुपे होते हैं। हम जाहिर है हम सारे रंगों पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसका एक अहम रंग सेलेक्ट किया है जो है लाल रंग। और ये लाल रंग आपकी जिंदगी में कितनी तब्दीली लाता है, क्या क्या असरात छोड़ता है, आपके जज्बात पर किस तरह हावी होता है, इस तरह की सारी गुफ्तगू आज आप हमारे शो पर सुन सकेंगे। कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने लाल रंग पहना होता है वो अटेंशन बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। इसीलिए देखिए ना कि हमारी दुल्हनों को लाल जोड़ा पहनाया जाता है कि जैसे ही आप फेस्टिवल में इवेंट पर पहुंचते हैं आपकी नजर साफ सबसे पहले लाल रंग पहने हुए जोड़े वाली दुल्हन पर पड़ती है। इसीलिए ये ट्रेंड चेंज हो गया। वैसे अरब वगैरह में सफेद रंग के कपड़े पहनती है दुल्हन, मगर हमारे मुल्क में हमें लाल रंग की दुल्हन नजर आती है, क्योंकि थोड़ी इन्फ्लुएंस इंडिया से भी है, और जिन्हें रेड कलर पसंद होता है कहते हैं कि वो लोग बड़े गर्म मिजाज होते हैं, बात बात पर भड़क जाते हैं, उफो भाई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर कोई उनकी बुराई करे तो उसके खिलाफ हो जाते हैं, और थोड़े से मॉडर्न होते हैं, लिबरल होते हैं। अगर मैं रंगों के हवाले से बात करूं तो लोगों की चॉइसेस चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर आप मुझे ले ले तो मुझे कभी ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, कभी येलो कलर अच्छा लगने लगता है, कभी लाल रंग मेरा फेवरेट बन जाता है। और कहते हैं कि जो लोग ब्राइट कलर्स को पसंद करते हैं उनकी जो उनका जो मिजाज है वो बड़ा शोको चंचल होता है। जैसे आदाब अर्ज, आदाब अर्ज, मेरे मिजाज की शोको चंचली आप माशाल्लाह 3 साल से मुस्तकिल देख रहे हैं सुबह सुबह। और वो लोग जिनको थोड़े पेस्टल कलर्स, लाइट व्हाइट, ग्रे, आसमानी और अपना बेज, फॉन, इस तरह के लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स पसंद है, उनका जो मिजाज है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, सोबर होते हैं। यानी कि आपकी चॉइसेस का अंदाजा लगा सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ, कि आपकी जो चॉइस है, जो आपने पहना हुआ है वो आपकी एकदम, जो आप कलर आपको पसंद है वो आपकी पर्सनैलिटी को एक तरह से डिफाइन करता है। और आज का हमारा शो जो बेस कर रहा है वो लाल रंग पर ही बेस कर रहा है। यहाँ सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, लाल रंग के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लाल रंग की अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, मसाले, ये वो, उन सबका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर क्या है, कितनी हेल्दी डाइट हम ले सकते हैं लाल रंग को मद्देनजर रखते हुए। साथ साथ लाल रंग अगर हमें ख्वाब में नजर आ जाए, अगर हम ख्वाब में लाल रंग देखें तो क्या मकसद होता है इन सारी चीजों का। वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि लाल रंग खतरे की अलामत होता है, जब आप जो बुल है उसको दिखाते हैं लाल रंग तो वो कैसे आपके पास भागा भागा आता है, या फिर डेंजर जोन पे हमेशा लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप एम्बुलेंस की देखते हैं वो जो क्या कहते हैं उसे, सायरन, एग्जैक्टली, वो भी लाल रंग का होता है। और अक्सर टॉर्चर सेल में जब कैदियों को रखा जाता है तो रात को लाल रंग की जो लाइट है वो खोल दी जाती है ताकि वो
टॉर्चर में रहे, इसलिए वो खवातीनों हजरात जो समझते हैं कि नाइट बल्ब जो है वो लाल रंग का लगा के सोएंगे तो उनको बड़ी अच्छी नींद आएगी, जो उसकी वजह ही यही है कि उन्होंने अपने कमरे में लाल रंग का बल्ब जलाया हुआ है। तो बराए मेहरबानी अपना नाइट बल्ब चेंज कर दीजिए, उसको थोड़ा नीला व्हाइट इस तरह कुछ कर दीजिए, वो थोड़ा जरा सूदिंग इफेक्ट देगा और आपको नींद अच्छी आएगी। तो लाल रंग के जो नाइट बल्ब लोगों ने रखे हैं उनको फेंक दीजिए या सास के कमरे में लगा दीजिए अगर आप चाहती हैं उनको नींद ना आए। मैंने नहीं लगाया है, अगर आपको तो कोई तकलीफ है उनसे तो आप लगा सकती हैं बदला लेने के लिए, ये टिप है ऑफ द डे। तो जनाब आज लाल रंग को हम कवर कर रहे हैं, साथ साथ बहुत सारी खवातीन मेरे पास यहाँ बैठी हुई हैं और उन्होंने लाल रंग पहना हुआ है। हर किसी की जिंदगी पे लाल रंग का कोई ना कोई असर होता है। मैं पूछना चाहूंगी मेरी जो यहाँ खवातीन बैठी हैं उनकी जिंदगियों पे लाल रंग का क्या असर हुआ, क्या जब रिश्ता देखने कोई आया तो क्या आपने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे तो आप रिश्ते के लिए मतलब हाँ करके चले गए कुछ ऐसी चीज, या लाल रंग आपके लिए खतरे की अलामत बना आपके लिए? बैठी रहे प्लीज, बैठी रहे आप, मैं कोई बड़ी बुजुर्ग नहीं हूँ जो मुझे देख के खड़ी हो जाएंगे। हाँ, लाल रंग हमेशा खुशियों की अलामत समझा जाता है। हाँ, लेकिन जब मेरी रिश्ता आया हाँ, तो मुझे मेरे बुजुर्गों ने कहा कि आप इस्तखारा करें। अच्छा, तो फिर मुझे ख्वाब में लाल गुलाब नजर आया। आहा, तो उसे बहुत अच्छा शगुन माना गया। अच्छा जी, लाल गुलाब जी। ओहो, लाल गुलाब, क्या बात है। तो आपके जो वो है उन्होंने कभी आपको लाल गुलाब दिया है ऐसे? जी जी, अक्सर वैलेंटाइन वैलेंटाइन वगैरह पे दिया। ऐसा तो नहीं जब उन्होंने दिया हो तो आपको लगा कुछ दाल में काला तो नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। ये क्यों गुलाब दिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। लाल रंग का जोड़ा किसने पहना था अपनी शादी वाले दिन, मुझे बताए? सब ने। और लाल रंग की लिपस्टिक किसने लगाई थी लाल रंग के जोड़े के साथ? सब ने। ओह पटाखा, क्या बात है। अच्छा, कुछ हस्बैंड होते हैं उनको लाल लिपस्टिक बड़ी पसंद है, जैसे मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद लाल लिपस्टिक, वो कहते तुम नहीं लगाया कभी लाल लिपस्टिक, तो मैं बहुत कम लगाती हूँ। मगर कुछ हस्बैंड्स को वो कहते हैं बीवी जो है किचन में खाना बना रही हो लेकिन लाल लिपस्टिक लगाए। मेरी बहन के जो शौहर है वो कहते हैं तुम कोई मेकअप ना करो बस लाल लिपस्टिक लगाया करो, उनको शौक है। तो आप लोगों में से कोई है ऐसे जिनके हस्बैंड को शौक हो कि लाल लिपस्टिक? नहीं, किसी को भी नहीं है। दूसरों की बीवियों को तो देखने में बड़ा मजा आता है उनको लाल लिपस्टिक लगाई है। किसको है, किसको? वो पीछे, अरे जरा हमजा का कैमरा ऊपर करें, कैमरा कोई और कट करें। हाँ जी, कोने में बैठी हुई है वो, ये हो रही है कैप्चर। हाँ हाँ जी, लाल वाली लिपस्टिक मेरे शौहर को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, और वो कहते हैं बस ये लगाए आप तोहफे में ला के देते हैं? जी, बहुत लाते थे। हाँ हाँ, तो फिर सब ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप हर वक्त देखिए आपके होंठ भी लाल हो गए लगा लगा के, हर वक्त आज भी लगा के लगाना चाहिए था ना। हाँ, आज वैलेंटाइन था, लगाना चाहिए था। नहीं, वैलेंटाइन तो आज नहीं है, वैलेंटाइन को तो जमाना हो गया गुजरे, क्या आपने कहा मियाँ तो अभी यहाँ पे है नहीं ना, बस ये माइक एंजॉय कर रहे हैं, वो भी एंजॉय करे दूसरों खवातीन को रेड लिपस्टिक लगाए देखकर। हाँ भाई, और किसकी जिंदगी पे क्या असर है लाल रंग का? जी नहीं, हमारे हस्बैंड को भी शादी के बाद लिपस्टिक लाल छोड़िए, लाल जब बड़ी पसंद थी। शर्मा रही है, बताए शर्माए, कोई अच्छी लग रही है। हाँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं था लाल कलर। अच्छा, तो आपके हस्बैंड ने क्या कहा कि मुझे लाल चूड़ियां लानी छोड़ दी थी? मुझे पसंद नहीं था लाल कलर। उनको पसंद था तो पहनती ना, शुरू में शादी के बाद पहना, उसके बाद फिर अच्छा नहीं लगा। अभी से शर्मा रही, कितने साल हो गए शादी को? 28 साल हो गए। और उनका नाम क्या है? मेराजुद्दीन। और आप अगर शर्मा के उनको बोले तो कैसे बोलेंगे, क्या बोलती हैं आप उनको? अल्लाह, मैं क्या करूं? बस ये कहते हैं कि प्लीज लाल चीज नहीं लाया करें, कलर की। अच्छा, लाल चीज नहीं। आप उनको कहती क्या है? अजय सुनो, मुन्ने के अब्बा? नहीं नहीं, ये नहीं कहती मैं। मैं उनको चमन के नाम से पुकारती हूं। क्या? चमन। गुड नेम चमन। नेम को चमन भाई, आपको सलाम। लाल रंग आपने लाला छोड़ दिया है, मतलब बेगम के आप इशारों पे नाच रहे हैं, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ भाई, किसकी और जिंदगी में लाल रंग की क्या अहमियत है?
कौन ऑडियंस में से मुझे बोलेगा? हाँ भाई, कोई है? आप बोलेंगी? अच्छा चलिए, फिर कैमरा हटाएं आप, हमजा जरा ये प्लीज पास कर लें। हाँ जी, लाल रंग जो है बहुत, यानी के आपकी जिंदगी पे किस तरह असर अंदाज हुआ है? तवज्जो, यानी के जो भी पहना होता है उसको हाँ। फौरन ही बिल्कुल तवज्जो कैप्चर करता है। मैं फैक्ट्स नहीं पूछ रही, आपकी जिंदगी पे लाल रंग ने क्या असर डाला है? मेरी जिंदगी में ये है कि मैं पहनती हूँ तो हस्बैंड मेरे खुश होते हैं बहुत। अच्छा, उस दिन फरमाइश पूरी हो जाती है जी, उस दिन ये होता है। कितने बच्चे हैं आपके? क्या जाना मेरे बच्चे के, चार पांच। तो हर लाल रंग पहनने पे बच्चा हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे की ऐसी बात नहीं। मैं छेड़ रही थी, माइंड ना कीजिएगा, और आग पे हस्बैंड देख रहे तो वो भी माइंड ना करे, लेकिन ये लाल रंग वाकई खतरे की अलामत है हर तरीके से। अगर हस्बैंड्स को अच्छा लगता है तो भी बेगमात के लिए खतरे से कम नहीं है। लेकिन आज हम लाल रंग के खतरात नहीं बयान करेंगे, लाल रंग में जो खूबियां हैं, जो अल्लाह ताला ने इस रंग को रखा है इस कायनात में, और इस रंग में कितनी सेहत रखी है, इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। क्योंकि अगर जान है तो जहान है, और हम बहुत सारे मस्ती भरे प्रोग्राम्स तो करते हैं, मगर ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे आपकी सेहत बेहतर होती है वो करना हमारा फर्ज है। उसकी रीजन ये है, बात दोबारा दोबारा ये बात कहूंगी कि जान है तो जहान है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपको हर चीज अच्छी लगती है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो आप अपना ख्याल रखें, और ख्याल कैसे रखें वो हम आपको बताने के लिए है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इस लाल रंग की सेलिब्रेशन में आप भी हमारा हिस्सा बने। और एक मेरी ख्वाहिश ये है कि वो सारी खवातीन, वो नानियां, दादियां, ताई, चचियां, फुफियां, मेरी सारी मैके वालियां, हस्बैंड चले गए ना ऑफिस, लाल रंग की लिपस्टिक निकाले और लगा के मेरा शो देखे, कितना मजा आएगा। और पिक्चर भी मुझे भेजिएगा, हाँ पिक्चर खींच के भेजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जैसे कि आपने इंट्रो में सुना होगा कि मैं दोबारा से एक दफा बता देती हूँ कि हम आज फोकस कर रहे हैं लाल रंग के ऊपर। इस कायनात में तकरीबन जितनी भी अशिया हैं, चीजें हैं खाने पीने की, हमारी जरूरत की, इस्तेमाल की, वो अल्लाह ताला ने उसमें हमारे लिए क्या अफादियत रखी है, इस लाल रंग में क्या राज छुपा है, ये आज थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और दिमागी तौर पे। अगर लाल रंग किसी को ख्वाब में नजर आता है और वो ताबीर पूछना चाहे, तो उसके लिए आज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि खातून ने बताया कि उनकी जब उनका रिश्ता तय हो रहा था तो उनको ख्वाब में एक लाल गुलाब का फूल नजर आया, और फिर सबको जब उन्होंने ये बताया तो उन्होंने कहा ये तो खुशखबरी है, ये अच्छी अलामत है। इसी तरह लोगों को कभी कभी लाल रंग की कोई खतरे की का रंग नजर आता है, या कोई खून नजर आता है, या इसी तरह की और लाल चीजें, मुख्तलिफ लाल चीजें ख्वाब में नजर आती हैं, तो आपके पास वो आते होंगे पूछने के लिए। वही मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہم نے اپنے تمام تر معاملات کو احادیث نبوی کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ جی، خوابوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا جو آغاز ہوا وہ بھی سچے خوابوں سے ہوا۔ بالکل۔ اور اسی طرح جو خوابوں کا علم کائنات میں سب سے پہلے دیا گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ بالکل۔ اور جو غیب کے معاملات ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، یا ایٹ فیوچر کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، آپ ان تمام تر معاملات کو سچے خوابوں کے ذریعے سے ہی جان سکتے ہیں۔ بالکل۔ گویا کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خواب میں اشارے عطا فرماتا ہے۔ جی۔ لیکن اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خواب دیکھنے والا، جی، اور دوسرا ہوتا ہے جس سے خواب کی تعبیر دریافت کی جائے۔
जिससे ख्वाब की ताबीर पूछी जाए। ख्वाब देखने वाले के भी बहुत सारे मामलात को देखा जाता है, किस टाइम उसने ख्वाब देखा ये भी देखा जाता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ मामलात क्या चल रहे हैं ये भी देखा जाता है। बहुत मुख्तसर मैं तीन किस्में बयान कर देता हूँ तो ये ओवरऑल जो ख्वाब के मामलात हैं उन्हें समझने में आसानी होगी। जो लोग ख्वाब के मामलात को डिस्कस करते हैं, अरबी जबान के अंदर ख्वाब को कहा जाता है रुया, ठीक है। फिर उस रुया यानी ख्वाब उसकी दो किस्में होती हैं, एक होता है रुयाए सालिहा, रुयाए सालिहा मींस सच्चे ख्वाब, और एक होता है रुयाए काज़िबा झूठा, झूठे ख्वाब। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है लाल रंग, बिल्कुल ख्वाब का की ताबीर और ये सारी चीजें जो है इसकी डेफिनेशन में आज नहीं लोगों को पहुंचाना चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि जो लाल रंग अगर ख्वाब में नजर आ जाए बिल्कुल तो फिर उसकी ताबीर क्या हो। बस मैं ये तमहीद मुकम्मल करके इस बात को यूं मुकम्मल करूंगा कि बाज़ औकात ऐसा होता है कि हम ख्वाब में वो देखते हैं जो हम सोचते हैं। बिल्कुल मिसाल के तौर पर आप कुछ सोचते सोचते सोए और रात को आपको ख्वाब में वही नजर आ गया, इसे कहा जाता है तख्वीफ़े नफ्स। अच्छा और दूसरी सूरत या इसे कहा जाता है तहदीसे नफ्स। थोड़ा इसका आसान नफ्स के अंदर जो चीज मौजूद है, हाँ। आपके दिल के अंदर जो चीज मौजूद है, आपके मन के अंदर जो चीज मौजूद है और जो चीज आप अपने जहन के अंदर रख कर सोए वो आपको ख्वाब में नजर आ गई। सही। याद रखिएगा कि अक्सर ख्वाब वो होते हैं जो के नफ्स की बातें होती हैं, ठीक है, और इनकी कोई ताबीर नहीं होती, इनकी कोई ताबीर। बाज़ औक़ात लोग बस वो सोचते सोचते सो जाते हैं, उन्हें ख्वाब में नजर आ जाता है और फिर परेशान होकर भागते फिरते हैं कि जी इसकी क्या ताबीर है, तो उसकी तो ताबीर होती ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात वाक़ियातन अल्लाह तबारक व तआला से आप मदद के ख्वाहां होते हैं। अच्छा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि इन ऑप्शंस में से मैं कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करूं। ये कभी ऐसा होता है कि आपके अच्छे आमाल की बिना पर, क्योंकि ख्वाबों को मुबशिरात कहा गया है हदीस के अंदर, यानी खुशखबरियां देने वाले, तो लाजमी सी बात है कि जो नेक बंदा होगा, जो तकवे वाला होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा होगा, तो अल्लाह उसे अपनी ताईद भी अता फरमाएगा। लिहाजा ये जो ख्वाब के हवाले से लाल रंग का आपने तज़किरा किया, ओवरऑल तो हम एक बात बयान कर दें कि ये ज़ाहिरी एतबार से अलामत खुशी होती है, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। जस्ट मुख्तसर में एक एग्जांपल आपको देता हूं कि मुअब्बिरीन ने ये कहा कि अगर रात में किसी ने यह ख्वाब देखा कि मुर्गे ने कुत्ते को पकड़ लिया है तो फरमाया इसकी ताबीर यह है कि उसका वास्ता किसी नादान से पड़ेगा। अच्छा। और एज इट इज यही ख्वाब अगर उसने दिन में देखा, दिन में सो रहा था और यह ख्वाब देखा कि मुर्गे ने कुत्ते को पकड़ लिया है, तो फिर इसकी ताबीर अब यह है कि वो बीमारी का शिकार हो जाएगा। अच्छा। तो जरूरी नहीं होता कि कभी ये समझें कि लाल रंग हमेशा ही खुशी की अलामत होता है। वो ख्वाब देखने वाले के हालात, उसके मामलात, उसके वाकयात और उसके बैकग्राउंड को देखा जाएगा और फिर उसकी ताबीर बताई जाएगी। ख्वाब में अगर खून देखा है, जी देखिए ख्वाब में अगर खून देखा है तो ये याद रखिए कि 99.9% जो आप ख्वाब में देखते हैं वैसा ही हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा। लोग डर जाते हैं, जी मैंने ख्वाब में किसी को कत्ल करते हुए देखा तो कहीं मैं वाकईतन कातिल तो नहीं हूँ, या मुझे कोई कत्ल कर रहा था तो कोई मुझे मारेगा तो नहीं, तो 99.9% ऐसा नहीं होता कि जो आप देखते हैं वैसा ही हो जाए। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि अगर वाकईतन आपकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही है और इस दौरान आपने ख्वाब में खून देखा है तो ये आपको इशारा दिया जा रहा है कि आप मोहतात जिंदगी गुजारिए, कहीं किसी मकाम पर ये हसद, प्रोफेशनल जेलेसी और ये जो जंगी अदावत वगैरह है ये आपको खून बहाने तक ले जा सकती है। इसी तरह अगर किसी शादीशुदा जोड़े ने बिलफर्ज ख्वाब में खून वगैरह देखा है तो इससे अदावत मुराद नहीं होती, बल्कि इससे ये भी मुराद होती है बाज़ औक़ात कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औलाद नरीना की नेमत अता फरमाएगा। इसमें जरूरी उन लोगों के लिए बड़ा अहम होता है जो लोग ख्वाब देखते हैं, उन्हें यह देखना होगा कि हम ख्वाब की ताबीर पूछने किससे जा रहे हैं। होता यह है कि रात को ख्वाब देखा, सुबह उठ के अम्मी को बता दिया, बहन को बता दिया, भाई को बता दिया, दोस्त को बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर परिंदे के पांव पर रुकी हुई होती है। अगर तुम किसी जाहिल को, किसी नादान को, किसी अहमक को, किसी बेवकूफ को, किसी अनपढ़ और अनएजुकेटेड आदमी को ख्वाब बता देते हो तो पहली बार वो जो चीज कहेगा वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, अगर फर्ज करें ख्वाब देखा है फूलों, मतलब गुलाब के फूलों का एक कोई बाग देखा है, कुछ इस तरह की चीज देखी है लाल,
देखिए जी, बागात को अगर ख्वाब में देखा जाता है तो ये एक बहुत अच्छा ख्वाब है। अच्छा, ये गोया कि आपको इस तरफ कुरान करीम फुरकान हमीद में बाग को अरबी में जन्नत कहा जाता है, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल आता है जन्नात। अच्छा, तो जब आप बागात को ख्वाब में देखते हैं तो चूंकि सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं, अच्छा, तो गोया ये जो दुनिया के बागात फना होने वाले हैं, मरने के बाद आप कब्र में मिलने वाले हैं, आपके तमाम अपने लोग आपको छोड़ के जाने वाले हैं, तो आपको ख्वाब की तरफ इशारा किया जा रहा है, ख्वाब में इशारा किया जा रहा है कि जो हकीकी बागात हैं, जहां पे फना नहीं है, जहां पे हमेशा के लिए बका है, जहां की नेमतें खत्म होने वाली नहीं बल्कि बाकी रहने वाली हैं, उन नेमतों की तरफ आ जाओ। तो जो ख्वाब देखने वाला है उसे चाहिए कि अपने जो उसके मामलात हैं अलग के, तन्हाई के, खलवत के, उन मामलात को मजीद बेहतर से बेहतरीन बनाए ताकि वो उन बागात का मुस्तहक हो कि जिनके बारे में कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ने यह फरमाया कि जन्नातिन ऐसे बागात हैं कि तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। तो वो बागात दर हकीकत बागात है, वरना यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बागात में थे लेकिन फना हो गए, आज वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अगर इस्तखारे में लाल रंग आए तो फिर उसका क्या? देखिए, इस्तखारे के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि आप इरशाद फरमाते हैं, मा खाबा मन इस्तखारा वला नदुमा मन इस्तशारा, कि जो इस्तखारा कर लेता है वो खाइब खासिर नहीं होता और जो मशवरा कर लेता है वो नादिम नहीं होता। अब इस्तखारा का जो दुरुस्त तरीक़ाकार है, हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ अंदाज और तुरुक से इस्तखारा कराया जाता है। असल तरीक़ाकार ये होता है कि आप दो रकात नमाज पढ़ते हैं और पढ़कर सो जाते हैं, और फिर अगर आप ख्वाब में लाल रंग देखते हैं तो इसमें ये इशारा होता है कि आप वो काम कर लीजिए, कोई मुज़ायका नहीं है। हरा रंग देख लेते हैं, इसके साथ में जिक्र कर दूँ तो इसका भी इशारा होता है कि आप वो काम कर लीजिए, और अगर आप ब्लैक रंग देख लेते हैं तो इसका माना होता है कि वो काम ना करें। लेकिन यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है कि याद रखिए कि ज़ाहिरी एतबार से तमाम तर रिसर्च मुकम्मल करने के बाद फिर इस्तिखारा होता है। अब आपने ये देखा नहीं कि वो लड़का करता क्या है, उसकी कंपनी क्या है, बैठता किन लोगों के साथ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आपने कहा नहीं जी सिर्फ इस्तिखारा कर लेते हैं, जो इस्तिखारे में आएगा उसे फॉलो कर लेंगे। फिर बाद में पता चलता है जी वो लड़का तो जुआरी निकला, वो लड़का शराबी निकला, वो लड़का तो फुला एबदार निकला। तो ये इस्तिखारे का जो दर्जा आता है ये बाद में आता है, पहला जो दर्जा होता है वो ये होता है कि आप तमाम तहकीकात मुकम्मल कर लीजिए, फिर आप इस्तिखारा कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी और लाल रंग के ऊपर हम जो जिक्र कर रहे हैं उसके बीच में एक और लाल चीज यानी रेड मीट, मीट के ऊपर बात करना चाहेंगे। मीट वन के हवाले से मैं कहना चाहूंगी कि ये हमेशा हेल्दी एनिमल्स का इंतखाब करते हैं, और जो के वेट जो डॉक्टर होता है, जो जानवरों को का डॉक्टर होता है, वो इनका भरपूर मुआयना करता है, उसके बाद इसको हलाल तरीके से ज़िबा करवाया जाता है, इंटरनेशनल सर्टिफाइड प्लांट लगा हुआ है मीटवन की कंपनी का, और वो इनको हलाल तरीके से ज़िबा करवाते हैं। रेगुलर लैब टेस्ट गोश्त का होने के बाद इनको रेफ्रिजरेटेड वैंस जिनका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है मुख्तलिफ आउटलेट्स पर, और उसकी रीज़न ये है कि गोश्त को फ्रेशनेस का एक वो ताकि गोश्त फ्रेश रहे। फिर जब ये आउटलेट्स पे पहुंच जाते हैं तो इनको 60-60 मुख्तलिफ तरीक़ों से काटा जाता है, गाय बकरे चिकन, हम तो वहाँ से फिश भी लेते हैं, और ये मीट जो है ये ट्रेंड कसाई इसको काटते हैं, और जो भी कस्टमर या क्लाइंट की डिमांड होती है उसके हवाले से वही कट दिया जाता है गोश्त को। हमेशा ऐसा होता है जब आप गोश्त वाले के पास गोश्त लेने जाते हैं तो जो गोश्त है और छीचड़ा वो साथ तोल कर आपको दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर छीचड़ों का वेट नहीं होता, गोश्त को साफ करने के बाद आपके सामने विंग मशीन पे वेट किया जाता है और आपको दिया जाता है बगैर छीचड़ों के, साफ सुथरा गोश्त। फ्री होम डिलीवरी भी है, और अगर आप होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो उसका नंबर है 1111-63281, यानी कि 1111-MEAT1, जो आपके फोन पे MEAT लिखा होगा उससे आप तभी आप इसे MEAT1 कहते हैं। और मैं ये कहूंगी कि नथिंग बीट्स मीट, और सब हमारे बहुत शौकीन हैं लोग खाने के गोश्त, लेकिन अच्छा गोश्त खाने वाले जो हैं उनकी कमी नहीं है, उनको पहचान भी होती है। जाइए जाके यहाँ से गोश्त खरीदिए, और आप यकीन मानिए जो आप नॉर्मल दुकानों पे लेते हैं गोश्त वहाँ के मुकाबले में साफ सुथरा और छीचड़ों से साफ गोश्त आपको यहाँ मयसर होगा। आइए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मीटवन की देखते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें यहाँ से मीट खरीदने के बाद। मेरे पास मीटवन की तरफ से वाउचर है
दो वाउचर्स हैं टेलीफोन कॉलर्स के लिए और एक वाउचर यहाँ मेरे सामने जो खवातीन बैठी हैं उनके लिए 2500 रुपए का वाउचर है, गिफ्ट वाउचर मीटवन की तरफ से। और ये मैं आप लोगों को दूंगी कोई एक सवाल करके। पहले डॉक्यूमेंट्री दिखा दें, सवाल करें पहले। हेलो, पहले डॉक्यूमेंट्री देखते हैं उसके बाद सवाल करते हैं। जी आइए चल के देखते हैं। आर यू श्योर इफ द मीट यू ईट इज फ्रेश, हाइजीनिकली प्रोसेस्ड एंड अबव ऑल वाज द एनिमल हेल्थी? एट मीट वन वी सिलेक्ट द फाइनेस्ट एनिमल्स दैट आर चेक्ड बाय आवर वेटरिनेरियंस। These animals are then sent to our state-of-the-art, internationally certified plant for halal slaughtering. Our sterilized tools, regular lab tests, temperature-controlled storage units, and refrigerated vans allow us to provide you with the highest quality of meat. Our 12 outlets across Karachi offer over 60 specialized cuts of fresh beef, mutton, chicken, and a complete range of ready-to-cook products chilled at stores. You can also ask our experienced master butchers to custom cut meat, just the way you want it. All the meat you buy from us is trimmed before weighing, so you only pay for what you get. For free meat delivery, just call 1111 Meat One. Meat One. Nothing beats our meat. हाँ जी, अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं और वो मीट वन का शायद वाउचर जीतना चाहती हैं, इसी लिए इन्होंने कॉल की है। जी हमारे साथ कौन है कॉलर? जी अस्मा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निजाम? बिल्कुल ठीक जी। क्या सवाल? मैं आपसे सवाल करूंगी और आप जवाब देंगी। सवाल आपसे ये है कि जो मैंने अभी डिटेल्स बताई और आप शो देख रही होंगी, तो जो मैंने वैन का टेम्परेचर बताया है, जो रेफ्रिजरेटेड वैन है मीट वन की जो आउटलेट तक मीट को पहुंचाती है फैक्ट्री से, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 से 5 डिग्री तक। एग्जैक्टली exactly. आप 2500 रुपए का वाउचर जीत गई, मुबारक। अच्छा, एक चीज और मुझे निदब जी, जी, जी पूछनी थी कि मैं जो अक्सर मैं जो ख्वाब देखती हूँ वो मतलब सही हो जाते। अच्छा, तो मुझे इस बारे में पूछना था कि क्या वजह होती है। मुझे अक्सर मैंने कई अच्छा। लोगों की डेथ देखी, जैसे 15 दिन पहले या 20 दिन पहले किसी की डेथ देखी। अच्छा मैम अस्मा, एक बात सुने, वो मुफ्ती साहब जो हैं वो उनका सेगमेंट शायद अभी चले गए हैं, वो उनका सेगमेंट खत्म हो गया, तो मैं उनसे पूछ लूंगी और फिर मैं प्रोग्राम में डिटेल जवाब दे दूंगी कि आप ख्वाब देखती हैं और जिनको आप ख्वाब में देखती हैं, जिनकी डेथ आप देखती हैं, उनकी वाकई में असल में हो जाती है। ये मैं पूछ के उनसे आपको फिर आगाह कर दूंगी। अस्मा फिर आप कंटिन्यू करिएगा देखना हमारा प्रोग्राम। जी हमारे साथ यहाँ पे जो खवातीन बैठी हैं, डॉक्टर बतूल भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आप बैठी रहे, बैठी रहे प्लीज। ये क्या है ऐसा मुझे देख के खड़े क्यों हो रहे हैं? मैं बहुत बुजुर्ग लगने लगी हूँ क्या? अच्छा जी, यहाँ जो मैं माइक लेकर आ जाऊँ, यहाँ जो मेरे सामने खवातीन बैठी हुई हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगी एक रिगार्डिंग मीटवन। यहाँ पे कौन कौन से जानवरों का गोश्त आप खरीद सकते हैं जाके? चिकन और क्या कहते हैं, बीफ, मटन। सही जवाब दिया है। ये आपको गिफ्ट किया जा रहा है 2500 रुपए का वाउचर। अच्छा जी, साथ साथ मिसेज लतीफ भी हमारे साथ हैं, हमारी कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम निदा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी, जी अल्लाह का शुक्र। हाँ जी कहिए जी, आपका प्रोग्राम देख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आपके सवाल का जवाब भी देना है। अच्छा जी बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये है जो मैं अगला सवाल कर रही हूँ कि गोश्त को तकरीबन वैरायटी कितनी है, गोश्त कितनी तरीकों से कट कर यहाँ दस्तियाब होता है? 60 किस्म के। कितने? 60। ओके, जीत गई आप, जीत गई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, डॉक्टर बतूल हमारे साथ यहाँ बैठी हैं और आज भी रेड कलर के हवाले से हम बात करें तो रेड कलर स्किन पे कितना इफेक्ट है, क्या ऐसी कोई ट्रीटमेंट्स हैं रेड कलर से रिलेटेड जो हमें फायदा पहुंचा सकें? बिल्कुल, रेड लाइट थेरेपी जो होती है वो बेसिकली फोटोन लाइट्स कहलाती हैं। अच्छा। या पीडीटी लाइट्स कहलाती हैं। अच्छा, और सिर्फ स्किन की नहीं, बालों की कंडीशन में भी बहुत इफेक्टिव होती है। अच्छा,
तो मैंने लास्ट टाइम भी जैसे जिक्र किया था, तो वो पेशेंट जिनको सोरियासिस होता है उनको बहुत जो है वो पपड़ी वाली डैंड्रफ होती है, और उनके लिए जो है जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं वो बेसिकली वो लेट जो है थोड़ा असर करती है। अच्छा। तो अगर इफेक्टिवनेस बढ़ानी हो, रेड लाइट बेसिकली ये करती है कि अंदर से जितने इनर सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करती है। अच्छा। उनको एक थिंकिंग फास्ट रेड 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 ब्लड सेल्स को जो है वो बढ़ाती है। अच्छा। जैसे जैसे रेड ब्लड सेल्स में जो है वो हीमोग्लोबिन की जो है वो होती रहती है, ब्लड फ्लो होता रहता है, वैसे वैसे जितने भी आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो 70-80% बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये जो है वो शॉर्ट करने के ट्रीटमेंट जो है उनकी ये डिवाइसेज है बेसिकली। एंड रेड लाइट मैं आपको बताऊं सिर्फ हमारे ऑल द सिक्स सेंसेस पे काम कर रही होती है। अच्छा। जितने हमारे रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो चखने के, सूंघने के, देखने के, छूने के, सब जो है वो रेड रिसेप्टर से कनेक्टेड है। अच्छा। ठीक। तो ये क्या होता है, क्या सैलून में जाना पड़ता है रेड लाइट लेने के लिए? सैलून में भी बेसिकली ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर्स के पास हम भी करते हैं, जिन लोगों को नीड होती है कि अर्जेंसी होती है। या अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है और उसको बहुत ज्यादा जो है पूरे फेस पे और साइड में क्या हुआ? आपको बराबर वाले स्टूडियो में सनम बलोच के पास तो नहीं जाना था? आप यहाँ गलती से आ गई हैं। नहीं नहीं, जहाँ रेड का हो रहा था ना मैंने वहीं जाना था। अरे भाई शादी भी इतनी हो रहा है, खुदा के लिए, मैं तो बदनाम हो गई हूँ शादियां करा करा के। एक इन्फॉर्मेटिव शो हो रहा है, लाल रंग हमारी जिंदगी पे, लेकिन इतने ज्यादा फूल तो शादियों में लगते हैं ना। देखिए फूल देखना इंसान को सुबह सुबह अच्छा लगता है, इसलिए हमने अपने सेट पे लगाए। देखिए पंडित भी बना हुआ है, पंडित भी आने वाला है, भी लूंगी यहाँ पर। देखिए ये एक खूबसूरत पॉन्ड है जिसमें लाल फूल डाले खूबसूरती के लिए। ये पॉन्ड है और वहाँ सामने मेरा पॉन्ड है, जैन पॉन्ड। ओहो अल्लाह, देखिए यहाँ कोई शादी नहीं हो रही आदमी को। ब्रेक पे जाएं भाई, कोई शादी नहीं हो रही। आप जिनको लेके जाएं भाई, कौन है बॉन्ड बॉन्ड? ब्रेक पे जाएं, आज बहुत अच्छा शो है। मेरी बात तो सुन रहा है भाई, शादी वाली नहीं करा रही मैं, कब आ गई हूँ भाई शादी के मुताबिक आ गई हूँ, खुदा के वास्ते मैं शादी नहीं करवाऊंगी। इतनी बड़ी बड़ी शादी भाई लेके जाओ ना, मैं शादी मैं नहीं आ रही भाई, मैं नहीं शो कर रही भाई, थक गई हूँ शादी करा करा के, कमर में दर्द हो गया शादियां करा करा के। आपने कितनी बड़ी बड़ी शादी करवाई है, एक छोटी सी शादी नहीं करवा सकती? अरे ब्रेक पे जाओ भाई, नहीं करा रही मैं शादी, दुल्हन का जोड़ा पहन के आ रही हूँ। मदन बनाइए, बाहर का सीजन ना गया है। हम अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जिएंगे जब तक जिएंगे एक अच्छे कॉज के साथ जिएंगे और दिल खोल के जिएंगे। पाकिस्तान और जनाब, बिल्कुल जिंदगी हम अपनी भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, जिएंगे और अच्छा पहनेंगे और अच्छा खाएंगे ताकि अच्छे लगे। कहते हैं कि जो आप खाते हैं वो आप नजर आते हैं। डॉक्टर बतूल मेरी बात को सेकंड करेंगी, है ना? जितना आप अच्छा खाते हैं उतना स्पेशली, बिल्कुल उतना, जितना इंटरनली आप स्ट्रांग होते हैं उतना एक्सटर्नली आपका विजिबल होता है, विजिबल होता है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर बतूल के ट्रीटमेंट पे जाऊं, मैं चाहूंगी कि अपने जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यहां मधु कर लूं ताकि जरा
डिस्कशन का जो फोरम है वो और बड़ा हो सके और ज्यादा बेहतर नॉलेज आप तक पहुंच सके। जब हम खाने की बात कर रहे हैं, ये तो होगी लगाने की बात और एक्सटर्नली जब हम अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन वो चीज जैसे कि खाने के हवाले से लाल रंग के क्या फवायद है हमारी जिंदगी में, लाल रंग की अशिया जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें फराहम की हैं उनके क्या फवायद हैं, उसके बारे में हम पूछेंगे डॉक्टर मुबशरा से। उनको वेलकम करते हैं शो पे। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर मुबशरा। डॉक्टर मुबशरा आ रही हैं अभी मेरे सामने, एक बहुत प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी सलीके वाली हमारी शेफ खड़ी है, शेफ मायदा जो कि बहुत टैलेंटेड है। शेफ मायदा हमें बताएंगी कि लाल रंग को हम कैसे अपनी जिंदगी में अपनी टेबल पे कैसे सजा सके। कैसी हो? मैं बिल्कुल खैरियत। देखिए कितनी अच्छी लग रही है लाल रंग में, है ना? आ जाओ बैठो बैठो। और साथ साथ हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट उज्मा ताहिर हिरा शेख भी लाल, आज तो उज्मा ने अपनी लाल रंग की साड़ी निकाली है। ओहो, और हीरा भी लाल वैलेंटाइन के कपड़े पहन के आई है। तशरीफ रखिए प्लीज, बैठिए। मैंने आपके लिए झूलों का इंतजाम किया है कि आप नहीं नहीं भाई, कल सब बैठे हैं यहाँ पे, चार चार लड़कियाँ बैठी हैं, एक एक झूला। अच्छी खासी लड़कियाँ बैठी हैं, अच्छी खासी लड़कियाँ बैठी हैं। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? हम बिल्कुल फिटफाट, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। और बहार है, लाल लाल नहीं, लाल बहार नहीं होती है, लाल हम रंग की अफादियत आज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये मैसेज अच्छा है कि लाल रंग खुशी का भी हो सकता है और खतरे का भी हो सकता है। लेकिन ये खतरे की बात कर रही हूँ कि हर जगह रेड रेड देख के यहाँ रेड ना मार देना भाई, ये रेड मारने के लिए खतरे की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, यहाँ ये मेरे मायदा तुम जो हो आज हमें ये बताने वाली हो कि लाल रंग की हम अपने दस्तरखान की बिल्कुल शान कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जब मैं इस पर बात करूँ ना, जैसे लाल रंग या कलर्स हो गए हाँ। जो हमारी सेहत पे बहुत अच्छा असर डालते हैं हाँ। जैसे कि लड़कियां पूछती हैं कि भाई हम क्या खाएं, आजकल लड़कियां अच्छी नहीं दिखती हाँ। साफ बताऊं मैं आपको हाँ। सुखी पतली, लेकिन इसकी स्किन बहुत अच्छी नहीं, देखो आगे पतली है लेकिन आप इसको विदाउट मेकअप देखें, इसकी स्किन हाँ। बहुत अच्छी है, इसके डार्क सर्कल्स नहीं है, इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। अब मैं बताऊं, कलर्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहते हैं कि ना आपकी स्किन की जो थिननेस है ना हाँ। अगर वो थिन है ना हाँ। उससे उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी हाँ। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ ना, जैसे मैंने मुंह धोया तो मेरी आंख के नीचे तक की नसें नजर आती है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होता है कि जब आप अच्छी चीजें खाते हैं। अब जैसे स्ट्रॉबेरीज है, मेरे टेबल के ऊपर स्ट्रॉबेरीज रखे हुए हैं। अभी क्या होगा कि आप सुबह को उठिए, स्ट्रॉबेरीज किसी चीज के साथ मिलाकर खाएं हाँ। तो अल्लाह ताला ने रंग इसीलिए दिए हैं, वो रंग आपकी सेहत पर इफेक्ट करेगा, नजर आएगा हाँ, है ना, वो खून बनाएगा। और लाल रंग जब हमारे चेहरे पर नजर आता है तो ओहो नजर नहीं हटती है फिर चेहरे। ये तो है। कलर आपके ऊपर बहुत अफेक्ट डालते हैं, अगर आप कोई भी ब्लैक कलर पहनते हो या रेड पहनते हो, कोई भी पहनते हो, तो वो आपके ऊपर कलर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका असर होता है। अच्छा, क्योंकि मायदा हमें लाल रंग की अफादियत बताएंगी हमारे दस्तरखान पर, तो आपका काउंटर हाँ, उधर है। हाँ, काउंटर के ऊपर ना बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी रखी है जो लाल लाल है, लेकिन लाल रंग से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मायदा मैं क्या बनाऊंगी हाँ। अच्छा, हमारा कैमरा यहाँ पर है ताकि मैं मूव कर जाऊँ। तो मूव कर जाओ, वो कैमरा हमारे ऊपर आ गया। अच्छा, तो वो लाल लाल चीजें जो है ना ऐसी होनी चाहिए जो कि फायदा भी दे सके, ना कि ये कि देख कर आप अट्रैक्ट हुए, जैसे जैम देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि ना यार ये लाल वाला जैम बहुत अच्छा है, लगाएंगे तो अच्छा भी लगेगा हाँ। पर वो खाने में अच्छा नहीं होता हाँ। ऐसी चीजें खानी चाहिए जो सेहत पर अच्छा असर डाल सके। अब जैसे कि मैं बताऊं कि गाजर और चुकंदर का जूस मिलाकर, पर ज्यादा नहीं, कम कम ठीक हाँ। है कम हाँ। लेंगे ज्यादा इफेक्ट होगा, ज्यादा ले लेंगे नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह से मैंने अपने पास स्ट्रॉबेरीज रखी हुई है, आजकल सीजन में आई है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, हालांकि हमारे इस्लामाबाद में ही उग रही है और वहां से आती है, लेकिन इस शॉर्ट पीरियड में आप जितना अवेल कर सके वो करें। बिल्कुल। सुबह को उठे, 6 स्ट्रॉबेरीज निकाल ली हाँ। दही रखा है ना, दही ले लें, दही में मिला के, स्ट्रॉबेरी में मिला कर ना ब्लेंडर में डालें हाँ। उसमें आपने हनी के 2 टेबलस्पून, चीनी नहीं कहूंगी हाँ। 2 टेबलस्पून आपने हनी डाला, आपने एक कप के बराबर या थोड़े फ्यू टेबलस्पून दही डाला कि उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज 4-5 अगर डालें तो वो एक थिक योगर्ट बन जाए, और सुबह नाश्ते में वो खाए, मैं कहती हूँ बहुत शानदार। बच्चों को शेक बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी शेक बहुत अच्छा बनता है बच्चों के लिए। बहुत बस ये है कि ये ध्यान रखें कि जिस चीज का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना,
वो आपको करेक्ट पता होना चाहिए. जैसे खवातीन को जैसे मैं कहूँगी प्योरी बनाना भी नहीं आता, वो लोग उसमें भी पानी डाल देते हैं. तो प्योरी बनाने का तरीका ये होता है कि आपने स्ट्रॉबेरी ली, सिर्फ उसको ब्लेंडर में डाला और उसको घुमा दिया तेज स्पीड के ऊपर, प्योरी बन जाएगा. अब आपकी मर्जी, आप जो भी काम उससे करना चाहते हैं. ठीक है. अच्छा, मैं यहाँ पर टमाटर से भी काम करूंगी. टमाटर तो रोजमर्रा है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. कहते हैं ना कि स्किन पे खुश्क महसूस होने लगे ना कि यार ड्राई ड्राई सा है, सलाद के तौर पर टमाटर इस्तेमाल करें. अच्छा, हाँ, थोड़ा स्क्वीज कर ले, आपका वो बीज निकल जाएगा, उसके बाद आप टमाटर. अच्छा मैडम, हम तुम्हारी तरफ आते हैं वापस. मैं जरा दोबारा डॉक्टर बतूल की तरफ जाती हूँ, और मैं वो जो रेड लाइट का इफेक्ट आप कह रही थी स्किन पर और बालों पर, वो क्या होता है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने खुद एक दफा जाके रेड लाइट ली है. उसमें कुछ नहीं कटा था, रेड लाइट के नीचे लेट जाते हैं आप अपनी क्लेंजिंग वगैरह करके. अच्छा, आपकी 10 मिनट के बाद आपकी स्किन इतनी प्यारी लगने लगती है, ग्लो करने लगती है. उसको फोटो रिजुवेनेशन कहते हैं बेसिकली. यहाँ तो मैं हैंड फेशियल के बाद देते हैं, बिल्कुल. और यहाँ तो मैं हैंड हेल्ड इक्विपमेंट लेकर आई हूँ, अदरवाइज जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो डिवाइसेज होती है. उसके नीचे लेट जाएंगे आप, लेट जाए. अगर आपको फेस पे, होल बॉडी पे आपको चाहिए, तो आपके होल बॉडी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होते हैं. फुल लाइट्स के अंदर आपको जो है वो 15 मिनट्स के लिए रखा जाता है, और एवरी 10 to 15 डेज पे जो है वो किया जाता है. इनके जो है ये एलर्जिक रिएक्शन की एक्नी है. एक्नी हुई, हाँ, दाने इन्होंने, हैं, हाँ, इन्होंने कोई क्रीम यूज करी थी शादी के उस पे, तो पहले हम इनके क्लिंजिंग करेंगे. ठीक है. इसमें जो है वो ग्रेप सीड्स का वो है कॉम्बिनेशन, और टी ट्री ऑयल है. अच्छा, तो इट्स अ वेरी सेफ वन. बेसिक जो है सुपरफिशियल जो एक्नी होती है, जैसे इनको छोटे छोटे दाने हुए हैं बिकॉज ऑफ द स्किन के अंदर भी छोटे 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 दाने निकल आते हैं. तुम लोगों को भी मेकअप के बाद निकलते होंगे ज्यादा अपनी, लेकिन अपना ख्याल खुद भी बहुत ज्यादा करना चाहिए. सबसे पहले छोटे छोटे दाने अगर किसी को होते हैं तो अपना पानी का इंटेक बढ़ा दें. अच्छा, वो एक्नी जो है वो सिर्फ पानी की वजह से जो है वो सबसाइड कर जाती है, उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है बिल्कुल भी. ठीक है, ठीक है. क्लेंजिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे वो भी बस हम जो है वो डायरेक्ट एक टॉपिकल जो है हम इनको क्रीम लगा देंगे क्लिंडामाइसिन की, उसके बाद से हम इनको लाइट देंगे. ठीक है. हम आपको ये भी बताएंगे आज के लाल रंग से आप दुबला कैसे हो सकते हैं. लाल रंग की चीजें इस्तेमाल करने से आप हेरा ये मुझे कह रही है, ये मुझे कह रही है, मुझे लगता है मैं शो में आके दुबली होकर ही दुबला करके भेजेंगे. हम न्यूट्रिशनिस्ट मुबशरा जो है उनको बुलाना चाहेंगे ताकि वो हमें अफादियत बता सके. वो सारी चीजें जो मैदा ने हमें बताई हैं उसमें विटामिंस कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, और हमें कितना इंटेक उसका दिन में लेना चाहिए. मुबशरा प्लीज आइए, आपका इंतजार हो रहा है. हाँ, मुबशरा, जैसे आपको पता है कि आज हम लाल रंग पे फोकस कर रहे हैं. वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं लाल रंग की, उसकी कैलोरीज, उसकी विटामिंस जो उसके अंदर मौजूद हैं, उसके पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. अच्छा, क्योंकि ये बहुत वाइड टॉपिक है. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी वेजिटेबल और फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है रेड कलर में. जो मोस्ट हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो टोमेटोज हैं. यूजली कन्फ्यूजन होता है ये फ्रूट है ये वेजिटेबल है. सो ऑफिशियली ये फ्रूट है, बट अगर इनकी हिस्ट्री में लेके जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में काफी टैक्सेशन पड़ गए थे जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था. दैट्स व्हाई इन चीज़ों को कंसिडर किया कि वेजिटेबल काफ़ी है. रेड कलर से मीन्स रिलेटेड लाइकोपीन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है जो कि बिल्कुल जो हम कहते हैं एंटी ऑक्सीडेंट. तो ये स्पेशली कलर पिगमेंट्स रहते हैं जो सारे रेड कलर्स यानी फ्रूट्स के पोमेग्रेनेट हो गया, ग्रेप यानी अंगूर हो गए, अनार हो गया, लाल अंगूर बिल्कुल, और चेरीज हो गई हैं. रेड चेरीज भी आती हैं जो हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं डिफरेंट कलर्स में. रेसबेरीज हैं, ये सब जो जितनी रेड कलर की जो एंजाइम्स मौजूद हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, इसमें सबसे एक अच्छा इम्पोर्टेंट रेडिकल ये है कि ये फाइट बैक बैक्टीरिया करता है. बेसिकली कैंसर सेल्स को प्रिवेंट करता है. और ये जो सारी लाल रंग की चीजें बिल्कुल इन सब चीजों कैंसर सेल्स को प्रिवेंट करता है. ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है. जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बहुत ज्यादा हाई है उसको डाउन करता है. डायबिटीज के लिए स्पेशली बहुत मुयस्सर है, क्योंकि अगर आप टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज से यानी अगर आपके इनहेरिटेज है तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं.
प्लस उसके अंदर अगर आप फाइबर की रोटी या कोई अगर डाइट प्लान अगर अवेलेबल है तो मेक श्योर करें, जैसे रेड शिमला मिर्च होती है हमारी जी, उसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होती हैं रेड पेपर में, जो इवन चाइनीज ने इंडोर्स किया है कि ये एनी सॉर्ट ऑफ कैंसर के सेल्स को मारता है, मींस ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट को. नाउ इसके अलावा जो रास्पबेरीज होती हैं जो बहुत डार्क कलर की रहती हैं, या क्रैनबेरी जूसेस होते हैं, तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी वेट लॉस के लिए. तो ये प्रोसीजर्स रहते हैं कि अगर आप किस लिए क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये सारे जितने फाइट पैक रेडिकल्स हैं, इसमें एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम कहते हैं पिगमेंटेशंस के लिए या स्किन लीजन्स के लिए, यानी कि जो हमारी स्किन पर छाइयाँ हो जाती हैं. बिल्कुल, अगर हम ये रेड कलर की जो चीज़ें हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है ये यूज करें तो छाइयों में कमी, बिल्कुल प्रिवेंशन होगी और रिंकल्स नहीं आते इतने फास्ट. बिल्कुल एंटी ऑक्सीडेंट है. अच्छा, मैं दोबारा से वापस आती हूँ डॉक्टर बतूल के पास. और आपने क्लेंजिंग करने के बाद क्लिंडामाइसिन का लोशन लगाया, उसके ऊपर से क्लिंडामाइसिन का टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाने के बाद काला चश्मा आंखों में देते हैं, आंखों में नहीं जानी चाहिए. बिल्कुल, प्रिवेंशन ज्यादा बेहतर होती है. मुझे तो लगता है इसलिए लगाते हैं कि कोई दूसरा आपको देखे ना. अच्छा, ये देखिए ये रेड लाइट अक्सर सैलॉन्स में फेशियल्स के बाद यूज करते हैं, फेशियल्स का जो असर है उससे ज्यादा असर अंदाज ये रेड लाइट होती है. ये मैंने अपने खुद फेस पे करवाई थी, तो क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं थी तो मैंने करवाई. एक दो दफ़ा मैं जाती हूँ कभी करवाने, तो यकीन माने मुझे किसी शाम में किसी पार्टी में जाना हो, किसी दावत में जाना हो, मैं सिर्फ लिपस्टिक और ब्लशन लगा के चली जाऊँ, फेस की जरूरत, एक फेस पे टाइटनिंग हो जाती है, ग्लो आता है और बड़ा एक रिलैक्स फीलिंग. बिल्कुल डिपेंड करता है, अगर आप व्हाइटनिंग के साथ यूज कर रहे हैं, व्हाइटनिंग सीरम के साथ करेंगे तो आपकी थर्ड लेयर सबकुटेनियस तक के जाती है. अच्छा, ऐसा ना हो कि खवातीन जो है रेड बल्ब ले आए. नहीं नहीं नहीं, वो देखिए रेड बल्ब रेड लाइट और ये शोर करेंगे, बेगम ये बल्ब ला के दे दिए लाल, घर में लगा के बैठ जाओ. फोटोन में, फोटोन लाइट में और रेड लाइट में डिफरेंस होता है. ठीक है, अब ये नहीं कि नॉर्मल लाइट, ये फोटोन लाइट है. तो इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी और वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं जो आप स्किन पे जो है वो लगा सकते हैं. अब आप इसे दानों पे अप्लाई, बिल्कुल दानों पे अप्लाई करें और इससे आपको लगता है कि दाने जल्दी खत्म हो जाएंगे. बिल्कुल, ये जैसे अगर शाम में भी कोई अटेंड करना चाहेंगे तो ड्राई होकर पील ऑफ हो जाएंगे. अच्छा अच्छा अच्छा, मायदा तुम क्या बना रही हो ये तो तुम बताओ. अच्छा, मैं क्या बना रही हूँ, ये जितने रेड जूसेस है ना, जैसे फ्रूट पंच बड़े आसानी से बन सकता है. अच्छा, जैसे स्ट्रॉबेरी जूस है, अनार का जूस है, ये आपने मिला लिया. और एक आध जैसे स्ट्रॉबेरीज बहुत टाइनी साइज की अभी अच्छी तरह से आना शुरू हुई नहीं है. ऐसा होता है ना, जब हम डब्बा खरीदने जाते हैं तो चीटिंग ये होती है, ऊपर बड़े बड़े रखे हुए होते हैं, छोटी छोटी, और फंगस जिनमें आ चुका होता है वो बेच रहे होते हैं, वो उसको चेक भी नहीं करने देते. तो जो छोटी वाली थी ना वो मैंने निकाल के फ्रूट पंच में डाल दी है. अच्छा, अनार का जूस और स्ट्रॉबेरी का जूस है, दोनों जूस मिक्स किया तुमने, अनार का जूस और स्ट्रॉबेरी का जूस. हाँ, बराबर बराबर, जैसे एक ग्लास अगर स्ट्रॉबेरी जूस है तो एक ही ग्लास आपके पास अनार का जूस हो. अच्छा, एक स्ट्रॉबेरी जूस और अनार के जूस को मिक्स करने में क्या हमें फायदियत होगी? ए एंड विटामिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ए और सी इसके अंदर अवेलेबल है. प्लस ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट को स्ट्रॉन्गर करता है, स्किन के लिए एक्सेलेंट एंटी ऑक्सीडेंट जो हम यूजली प्रोडक्ट्स में ढूंढते हैं कि एंटी ऑक्सीडेंट फॉर दी मॉर्निंग व्यूअर्स, यानी जो खवातीन या मर्द हजरात मॉर्निंग में उठते एकदम से पफीनेस रहती है, तो दैट वुड बी अ गुड पैक अगर ये है या जूस. बिल्कुल, सूटेबल टाइम क्या है पीने का? सूटेबल अगर अर्ली मॉर्निंग पिया जाए, बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब कि उठकर फौरन एक जो आप जूस का ग्लास ले, वो स्ट्रॉबेरी और अनार का मिक्सचर ले. जी, पहले तो हम अपने सारे जो टॉक्सिक्स है उसको वॉश आउट करेंगे, यानी 2 या 3 ग्लासेस ऑफ वाटर पानी पियेंगे. बिल्कुल प्लेन पानी पी के उसके बाद अगर आप ये करें तो विटामिन ए और सी, क्योंकि इस वक्त हमारे ऑर्गन्स को एंटी ऑक्सीडेंट की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि पूरा स्टार्वेशन चलता है. नहीं, जब हम 10 या 11 बजे रात में सोते हैं तो पूरे 8 आवर्स के ड्यूरेशन में हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो पंप अप कर रहे होते हैं सारे टॉक्सिक्स को आउट. तो अगर जब हम ये जूसेस पीते हैं तो ए एंड सी को फ्लश आउट करती हैं किडनी से एंड लिवर से सारा टॉक्सिक्स. और प्लस ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुफीद है उन लोगों के लिए, स्पेशली फॉर द वेट लॉस, क्योंकि अगर ये वाटरमेलन का कॉम्बो या थोड़ा सा इसमें अगर हम अदरक या लहसुन डालें तो ये फिर बैक्टीरिया को किल करता है जो पैरासाइट्स के फॉर्म में हमारे रेक्टम में मौजूद होता है. यानी जिन खवातीन या मर्द हजरात को कॉन्स्टिपेशन का बहुत सिवियर इश्यूज होता है तो वो फ्लश आउट, बिल्कुल ये फ्लश आउट करेगा. यानी इतने सारे फायदे हैं इस एक ग्लास जूस में जो मायदा ने बताया है, स्ट्रॉबेरी और अनार का मिक्सचर जिसमें अगर थोड़ी सी अदरक मिला दी जाए. जी बिल्कुल, है ना, और लेमन स्क्वीज कर लिया जाए या फिर हनी तुम कह रही थी मिलाया जाए.
तो वो बहुत एक मजे का जायका भी होगा और बहुत फायदेमंद जूस साबित होगा मॉर्निंग के लिए। बिल्कुल, अभी जैसे ना मैं आई थी तो उन्होंने कहा था कि पतली है लेकिन नहीं पता चलेगा। यकीन करें निदा, अगर आप अच्छे कलर खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फिर आ गई ये यार, ये कोई इनको बताए कि आज शादी नहीं है हमारे शो पे। मायदा, तुम शादी के शो में आती हो कभी हमारे? नहीं, आपको मैं शादी के शो में बुला के क्या करूंगी? मुझे बताएं डॉक्टर बतूल, आप शादी में क्या करेंगी? ये शादी का शो नहीं है, तुम देखो तो सही। हाँ, उज्मा आती है, हिरा आती है, माना, लेकिन ये आज फायदे की बातें सीखने आई है। भाई शादी नहीं है आज बहन, मैं क्या करूँ? अल्लाह, मैं शादी, एक्सक्यूज मी, ये क्या है? इधर चेक करें आप, ये क्या है? ये दुल्हन ने जॉगर पहने हुए। अब तो मैं तुम्हारी शादी करा ही नहीं सकती। आप दुल्हन नुमा दुल्हन, आपने जॉगर क्यों पहने हुए? भाई मसला ये है ना, देखे मैंने बोला इसमें शादी होगी नहीं। हाँ, अगर मुझे भागना पड़ा तो मैं भागने के लिए भी तैयार हूँ। जॉगर इस वक्त पहन के आई हूँ, तैयार ही पूरी। आप भागते हुए नजर आइए मुझे, चलिए आप अकेले भागते हुए नजर आइए, जरा देखो आप कैसे भागती हैं जॉगर। अकेले नहीं ना भाई, सारे लड़के जाओ भागो, शाबाश। दुल्हन ढूंढो, ढूंढा नहीं ढूंढो, आप दिलाए ना दुल्हन कोई। मैं ऐसी लड़कियों को दुल्हा नहीं दिलाती। फिर ऐसी लड़कियों को दिलाती? हाँ, ऐसी को दिला। चले भाग के इनको दिला दे, कोई दुकान नहीं है मेरे पास, मुझे मिल जाएगा छोटे के साथ बड़ा। ब्रेक ले लो भाई, क्या मुझे भेजक कराओगे तुम लोग? शादी नहीं हो रही है आज, अल्लाह की कसम शादी नहीं करा रही मैं आज। डोरी और पतंगे निकाल लीजिए, अपने अपने बिस्तर छोड़िए, बसंत मनाइए, रंगीन कपड़े पहनिए और जश्न मनाइए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी अभी हमें ज्वाइन किया आगा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरे अल्लाह का बहुत ठीक ठाक है। और आलिया टीकू ने भी ज्वाइन किया है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है आलिया जी? अच्छा नहीं किया आपने, लाल कलर है ना, ये दूसरे शो से आई है। अच्छा, अब आलिया हमें, आलिया यहाँ इसलिए आई है कि वो बता सके कि रेड कलर की एप्लीकेशन गोरे रंग पे, सांवले रंग पे, लिपस्टिक की एप्लीकेशन किस तरह होनी चाहिए, किस तरह का मेकअप होना चाहिए। और मेरे कान में बंद कर दे आवाज, जरा मायदा की आवाज़ है। और आगा साहब हमें बताएंगे कि जो लाल रंग की जड़ी बूटी है या जो भी लाल रंग के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है कुदरत की तरफ? आप बहुत लोगों से सवाल करती हैं। हाँ, एक सवाल आपसे कीजिए। अल्लाह, आपके आपके सेट पर नेचुरल क्या चीज है जो रेड है? नेचुरल क्या चीज है जो फूल? एनर्जी फूल, गुलाब के फूल। इंटेलिजेंट, हमारे सेट पे नेचुरल जो चीज है वो गुलाब का फूल है। हमने तो बहुत थोपा हुआ है। हाँ, तो नेचुरल नहीं है भाई, सॉरी, बहुत थोपा हुआ। दो चीजें कहनी, रेड कलर जो है बुनियादी तौर पर ये लाइकोपिन की अलामत है। हाँ। और लाइकोपिन हमारे जिस्म में रेजिस्टेंस हर बीमारी के खिलाफ पैदा करता है। बिल्कुल, लाइकोपिन बहुत ज्यादा जो होता है वो टमाटर में भी होता है। ठीक है, टमाटर के बारे में दो चीजें कह दी। पहली बात तो ये कि टमाटर का छिलका कोई इंसान हजम नहीं कर सकता, चाहे टमाटर के छिलके को हमेशा ज़ाय कर देना चाहिए, वो नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, टमाटर के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि गुर्दे के मरीजों को टमाटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं दरख्वास्त करूंगा अगर दरमियान में से उसके बीज निकाल दिए जाए तो ये गुर्दों के मरीजों के लिए दवा बन जाएगी। अच्छा, ये बिल्कुल उलट हमारे यहाँ रिसर्च है। तीसरी बात जो कहनी है वो ये कि दुनिया में जितनी भी बेरीज हैं, ये तय कर लीजिए कि कोई भी बेरी है, चाहे वो स्ट्रॉबेरी है, चाहे वो ब्लैकबेरी है, दुनिया की कोई भी बेरी है, ये एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, तो हमारे माशरे में क्योंकि कैंसर बहुत ज्यादा होने लगा है, तो मैं ये समझता हूँ कि बेरीज का इस्तेमाल जो है हमारे
معاشرے میں بڑھنا چاہیے. جس طرح مائدہ نے کہا تھا کہ صبح کے وقت جو ہے وہ اسٹرابری جو ہے وہ دہی کے ساتھ لے رہی ہیں, میں عرض کروں کہ اگر اسٹرابریز کو چنک بنا کر کے آپ دہی میں ملا کر بچوں کو دینے کی عادت کر لیجئے تو آپ نے ایک اینٹی کینسر ڈرگ دے دی, آپ نے اس کے اندر لائکوپین دے دیا, اور اس کے ساتھ آپ نے مختلف قسم کے دہی میں جو ہونے والے پرو بایوٹکس ہیں وہ دے دیے. اور پرو بایوٹکس دینے کا مطلب یہ اسٹریٹ اوے کہ بچوں کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی, ان کی گروئنگ بہتر ہو جائے گی, ان کے اندر ایبزارپشن آف اینی کیمیکل بہتر ہو جائے گی. اچھا مائدہ تم مجھے بتاؤ تم ریڈ کلر سے کیا بنا رہی ہو, جلدی سے بتا دو. دیکھیں پیزا میں نے بنا لیا, شکل دکھاؤں. پیزا کی شکل دکھاؤ, اور وہ پین میں بنا ہے. پیزا بن چکا, بن چکا. دیکھیں شکل دیکھیں پیزا کی, ریڈ پیزا ہے. اس پہ کیا کیا اجزاء شامل ہوئے ہیں ریڈ پیزا؟ اچھا صرف میں نے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی تب جا کے پیزا بنے گا. میں نے صرف 3 ٹماٹر لیے, اچھے بڑے سائز کے, لال رنگ کے ہونے چاہیے, یلو کلر کے نہ ہو. ٹھیک ہے, ان کو کاٹ کے نا کم از کم 3-4 ٹیبل سپون آئل لیا, سالٹ ڈالا, تھوڑی سی ریڈ چلی ڈالی, پکانے ڈال دیا. اب وہ نرم ہو گئے, اس کو چلایا, وہ پیوری کی طرح سے ہو گیا. پھر میں نے پٹھان کا نان لیا, نان کے اوپر میں نے اسے اسپریڈ کر دیا, اور نہ اس کے اوپر چیز کے سلائسز رکھے. عورتوں سے چیز کے سلائسز میلٹ ہوتے نہیں ہیں, لیکن میں نے اسے کور کر کے رکھا, سب میلٹ ہو گیا. تو یہ سب زیادہ بچوں کے لیے لال ٹماٹر اگر ان کو کھلانا ہو, ٹماٹر اور چیز اور پٹھان کا نان. ہاں بس بس یہ تین. ہاں بچے خوش, پیزا تیار. ہاں اب میں بورڈ, کٹنگ بورڈ آ جائے, اس کے بعد اس کے اوپر رکھ کر نا جو پیسز ہیں نا وہ کٹ کریں گے, تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اگر پتلی چپاتی ہے تو اس کو کس طرح کٹ کرنا ہے, اور اگر موٹا نان ہے تو وہ کیسے کٹ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی, اب میں آتی ہوں عالیہ کی طرف. عالیہ آپ نے اپلیکیشن بتانی ہے ریڈ لپسٹک کی, کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی بیٹھی ہیں جن کے ہسبینڈز کو ریڈ لپسٹک بڑی پسند ہے. ڈفرنٹ شیڈز ہیں لپسٹکس کے, ڈفرنٹ شیڈز ہوتے ہیں. ہاں میں نے اکثر دیکھا ہے مردوں کو ہوتا ہے کہ ان کی بیگ میں لال کلر کی لپسٹک لگا کے پھرتی ہیں. بہت سارے مردوں کو پسند ہے, بہت سارے مردوں کو پسند نہیں ہے, منع کرتے ہیں. وہ منع کرتے ہیں کہ آپ ریڈ لپسٹک نہ لگائیں. سوٹ شاید, ٹھیک ہے, سوٹ کی وجہ ہوگی کہ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی. کچھ کچھ لوگوں کو نہیں اچھا لگتا, کچھ لوگوں کو نہیں. یہ کہ بال ہولڈ کر کے جو کہتے ہیں ویمپ لگتی ہے ریڈ لپسٹک. نہیں, ایکچولی دیئر از اے تھن لائن بٹوین اے ویری ڈیسنٹلی پٹ ریڈ لپسٹک اور ایک بہت ہی بھیانک طریقے سے ہونٹوں کو ایک عجیب طرح سے بڑا کر کے, اور اس کو ایک تو کلر اتنا کیچی کلر, اس کو اوپر سے آپ ایکسٹرا پاؤٹ کر دیں گے اور عجیب گلاس اور چکنا بھی کر دیں گے. ریڈ لپسٹک ہمیشہ میٹ اچھی لگتی ہے, بالکل اٹ شوڈ بی میٹ. اور ویسے جیسے لپسٹک کے ساتھ ساتھ ریڈ سوٹ بھی رات کو اچھا لگتا ہے, اگر آپ دن میں پہن کے نکل جاؤ گے تو وہ چیختا ہوا لگتا ہے. تو میں نے یہ بہت خراب چیز کی تھی, میں نے لال جوڑے کے ساتھ لال لپسٹک لگائی. نہیں نہیں, اچھا لوگ اکثر بیج کلر یا وائٹ کلر کے کپڑوں کے ساتھ ریڈ لپسٹک, لیکن آپ پہ ریڈ نیل کلر بہت سوٹ کرتا. ہاں نہیں اچھا, غرور نہیں کیا کہتے. آپ پاوری لینا. اچھا I'll go and show different shades of red lipstick. We have already done different hairstyles on them. بالکل, تو بیسک تھوڑا سا کیا نا, I'm going to. اور یہ مت غلط ہے کہ خالی گورے رنگ پہ ریڈ لپسٹک اچھی, نہیں نہیں, سامنے رنگ پہ بہت اچھی اچھی لگ سکتی ہے. بہت دیپیکا پہ کتنی پیاری, بہت اچھی, بہت اچھی ہے نا. جی بالکل, آپ بتائیے گا. Why not? اور جب ہاں جی ایک چیز نا, بالکل اگر آپ اچھی غذا کھاتے ہیں نا, آپ کو لپسٹک کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو ہے. اور نہ ابھی یقین کریں میں نے لپسٹک نہیں لگائی ہوئی, میں جب بھی اپنے شوز کرتی ہوں, میک اپ کرتی ہوں, خوبصورت نہیں ہوتا, میں لپسٹک نہیں لگاتی. صرف میں اس لیے کہہ رہی ہوں, دیکھیں اگر آپ کو میں اچھی چیز بتاؤں تو آپ اس کے اوپر پھر عمل بھی کریں, ورنہ پھر آپ دوسرے کو دیکھ کے حسرت نہ کریں. بالکل, ہے نا. آپ لپسٹک کتنی لگا لیں گے؟ کیا گھر میں لگا کے پھر سکتے ہیں؟ اور لپسٹک لگا کے ہونٹ کالے بھی ہو جاتے ہیں, کالے ہو جاتے ہیں, اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہر کوئی اچھا پروڈکٹ افورڈ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات, آپ گھر میں ہیں, آپ کے گھر میں ہر وقت لپسٹک لگا کے رکھیں گے, آپ کو خود کو بھی تو اچھا نظر آنا ہے نا. آپ مرر میں جاتے ہیں, بال بناتے ہیں, شکل دیکھتے ہیں, تو اس حساب سے آپ اپنے آپ کو بھی رکھیں. تم کیا کھاتی ہو جو تمہارے ہونٹ جو ہے لپسٹک کی ضرورت نہیں پڑتی؟ پہلے تو یہ کہ ابھی جیسے اسٹرابریز کا سیزن ہے, اب یہ آف ہو جائے گا. اب جیسے کھجور اور دودھ صبح کو اٹھتے ہی ناشتے میں, کیونکہ کھجور سے خون بنتا ہے اور دیر تک پیٹ بھرا ہوا لگتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ دوسری چیز یہ کہ جب تک آپ کا اسٹمک کلین ہے نا, آپ کی آنتیں صاف ستھری ہیں, اور اس میں جیسے مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے یہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کانسٹیپیشن کا سب سے زیادہ مسئلہ جی ہے. جی جی. اگر یہ صاف نہیں ہے تو آپ کا خون نہیں بنے گا. بالکل, اگر پیٹ صاف ہے تو فریش بلڈ بنے گا. پیٹ صاف ہے تو وہ چہرہ شاداب لگے گا, چہرہ صحیح رہے گا. ٹھیک ہے, آگے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آگا جی, جو بات شروع کر رہا تھا گلاب کی, گلاب کی پتی کے دو حصے, جی
एक सुर्ख हिस्सा और एक पीला हिस्सा जो डंठल के साथ चिपका हुआ है। जो सुर्ख हिस्सा है वो शदीद दस्तावर है, जो पीला हिस्सा है वो शदीद काबिज है। अल्लाह के निजाम ने मैनेजमेंट उसी के अंदर रखी है। अगर जिस तरह मायदा फरमा रही है, इसी तरह अगर हम सिर्फ गुलाब की पत्तियों को साफ करके चीनी के साथ 40 दिन तक सूरज के सामने रख दें और उसके बाद उस गुलकंद को गुलकंद को रात में सोते वक्त एक टेबल स्पून ले लें तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे और ये दवा एंटी टॉक्सिन के तौर पर हमारे जिस्म में काम करेगी। बिल्कुल, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हो गई। तो, अच्छा, लाल रंग से रिलेटेड कुछ पतले होने का, जरा कमजोर होने का बताइए, कमजोर नहीं दुबले होने का बताइए। देखिए बात सुनिए, बुनियादी बात यह है कि वजन का बढ़ जाना बुनियादी तौर पर खराबियों की अलामत है, खराबों की भी अलामत। अच्छा बात यह है कि आप अगर अपनी मैनेजमेंट ऑफ फूड बेहतर करें तो तमाम चीजें बेहतर होगी। जिस तरह अभी मैंने दरखास्त की स्ट्रॉबेरी के लिए, अगर आप टोमेटो के बीज निकालकर, टोमेटो का छिलका निकालकर फिर आप इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छा है। गुलाब की पत्तियों को रात को इस्तेमाल करें। और अगर रेड कलर की बात है तो आप ये देखिए कि हमारे माशरे में कौन सा सालन है आमतौर पर 50% से ज्यादा जो रेड नहीं बनते, उसमें रेड चिलीज तो जलती है ना, रेड तो चिलीज भी है ना, लाल मिर्च उसकी क्या फायदे है लाल मिर्च की। लाल मिर्च बुनियादी तौर पर एक अजीब सी रिसर्च है, वो ये कि लाल मिर्च एंटी अल्सर दवा है। तंगेज बात कह रहा हूँ, लेकिन ये एंटी अल्सर दवा है, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि लाल मिर्च को अगर तोड़ लिया जाए, उसके जो दाने होते हैं फ्रेश, उन दानों को अगर किसी शख्स को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे हो, फूड पॉइजनिंग हो रही हो, तो उसके सिर्फ 3 दाने साबुत पानी के साथ अगर निगल लिए जाए तो फिर डेफिनेटली उसमें फायदा होगा। कितना हर चीज में शफा है, तभी तो हमने आज लाल रंग को फोकस किया है। मैं करूंगी निदा कि जो फीमेल जिनको इनफर्टिलिटी के बहुत बड़े इश्यूज हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और वो बहुत तरीकेकार अपनाती हैं, स्पेशली IV जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, जो आर्टिफिशियली हम कंसीवमेंट करवाते हैं फीमेल्स को, उसके लिए जो उनकी ट्यूब्स जो ब्लॉक होती है, स्पेशली कहा गया कि क्रैनबेरीज अगर आप खाएं तो ये ब्लॉकेजेस हट जाती है, ठीक है। और नंबर 2 जो ये हमारी जो माशाल्लाह से जो शेफ रेसिपीज बता रही मायदा, उन्होंने लिप्स का कहा, स्ट्रॉबेरीज में स्पेशली मैलिक एसिड होता है जो टार्टर रिमूव करता है टीथ पे से डिकेज को, तो जो स्पेशली जो हम वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3-4 स्ट्रॉबेरीज रोज़ाना खाएं तो इस ओरिजिनली आपको वाइटनिंग ट्रीटमेंट मिलेगी, तो आपको मतलब 15-20,000 रुपीज़ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम 200 रुपये में हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी फ्रेश लाइन, अच्छा वो जो डब्बे में जो सिरप जो होती है वो ठीक है। दूसरी एक बात और मैं बढ़ाना चाहूंगा, क्रैनबेरी के बारे में आपने फरमाया, क्रैनबेरी इज करौंदा या ककरौंदा, हमारे यहाँ जो हमारी पिछली नस्ल है जी, जो अचार में डलता है, ककरौंदा एंड करौंदा, दिस इज क्रैनबेरी। और क्रैनबेरी के बारे में दूसरी बात मुझे जो बड़ी इंपॉर्टेंट कहनी है वो ये कि क्रैनबेरी के अंदर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, एस्पिरिन मौजूद है, कहीं क्रैनबेरी खाते हुए किसी शख्स को अगर ब्लीडिंग हो जाए तो खुदा के लिए क्रैनबेरी रोक दीजिए। स्पेशली फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा है जो हमारे क्रैनबेरीज में फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा है, जो स्किन के लिए हम यूजली रेकमेंड करते हैं कि फॉलिक एसिड का आप जरूर इस्तेमाल करें। सो बेसिकली जो अगर हम कोई भी फ्रूट एलिमेंट ले जिसके अंदर रेड पिगमेंट्स ज्यादा है तो डिपेंड करता है कि स्किन के लिहाज से आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आप वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आप डिटॉक्स यानी अपने ऑर्गन्स को क्लेंजिंग फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, तो उसके काफी फायदे हैं। अच्छा अभी हम आपको ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि रेड डाइट के थ्रू आप कैसे अपना वजन कम कर सकते हैं, फिर रेड फेशियल्स के थ्रू आप अपनी स्किन को चमचमाता हुआ कैसे पा सकते हैं, साथ आलिया चीपू ने जो रेड लिपस्टिक अप्लाई की है उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एक टेक्निक होती है रेड लिपस्टिक को अप्लाई करने का और हर घरेलू खातून जो है वो उसे सही से अप्लाई नहीं कर पाती है, उसको अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए आपको उसका गुण भी जानना चाहिए। हाँ तो सीखने में कोई हर्ज नहीं। हाँ जी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद आप दोबारा हाजिर होंगे इसी शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और जनाब लाल रंग को फोकस करके हम लाल रंग की इफादियत आप तक आज पहुंचा रहे हैं। और मायदा ने टेबल जबरदस्त सजा दी है इस लाल रंग की टेबल को देखकर। जब भी बच्चे आपके स्कूल से आएंगे वो फौरन झपट पड़ेंगे और वो पिज्जा जो इसने बनाया है पठान की रोटी लेकर जिसपे टमाटर और चीज रखी है वो फौरन खा लेंगे। अच्छा जी, मैं अब आना चाहूंगी आलिया फारूक की तरफ। हमने आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट्स भी बताए जो आप रेड लाइट के थ्रू कर सकते हैं फेस के, अब हम आपको सैलून ट्रीटमेंट्स बताएंगे और आलिया फारूक बताएंगी कि क्या क्या रेड कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेकर हम अपने घर में मास्क तैयार कर सकते हैं। देखिए, रेड फ्रूट्स के हवाले से मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि लाल जितने भी रेड ब्राइट फ्रूट कलर्स होते हैं उनमें जो टमेटोज़ और ज़ाहिर सब पहले बात कर चुके हैं, टमेटोज़ और रेड ग्रेप फ्रूट, पिंक ग्रेप फ्रूट जो होता है ये एंटी कैंसरस होता है। और बाकी जो रेड बेरीज आ जाती हैं, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, रेसबेरीज और क्रैनबेरीज, ये सारे जो है ये बहुत डीप एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको स्किन के फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जो नॉर्मली फ्री रेडिकल से बचाते हैं जी। इसमें एंटी एजिंग आ जाता है, आपके रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन में एक क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, स्किन डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। हाँ। ये सारे वो चीजें हैं कि अगर आप इनको इनटेक इनका करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इन्हीं में से कुछ चीजें अगर हम टॉपिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं, बीट रूट जूस, चुकंदर का जूस आ जाता है, आपका टमेटो जूस आ जाता है, टमेटो पल्प आ जाता है, और थोड़ी सी एडिशंस बीच में हम दो तीन चीजों की और करेंगे ताकि एक वो अच्छे से ब्लेंड्स बने। और सैलून के हवाले से एक बात करूँ कि एक बहुत एक्नी की प्रॉब्लम है, एक्नी रोजेशिया, जो रेड पैचेस बन जाते हैं मुंह पे एट टाइम, फ्लेयर अप्स होने शुरू होते हैं उसके, विटामिन सी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उसके लिए। और खास तौर पे अगर आप डर्माब्रेजन और विटामिन सी को मिक्स कर करें तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। एक्ने रोजेशिया जो है आपकी तकरीबन उससे खत्म हो जाती है। और होम केयर में भी आपको प्योर विटामिन सी के प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं। आज हम विटामिन सी की जो फॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉबेरीज हैं, टोमेटोज हैं, और आपके साथ लेमन का थोड़ा सा एडिशन है उनके साथ। ठीक है, पहला जो है बीट रूट जूस हम करेंगे बालों के हवाले से। हम पूरी बॉडी और स्किन कवर कर रहे हैं जिसमें बालों की हम दो चीजें बताएंगे। कई लोग होते हैं गर्मियों में खुजली शुरू हो जाती है उनकी स्कैल्प पे खुश्की की वजह से, या ह्यूमिडिटी, दाने निकल आते हैं, या वैसे ड्राइनेस की वजह से उनकी जो है वो खुजली शुरू हो जाती है और कई दाने भी रहते हैं। बिल्कुल, तो हम बीट रूट जूस, चुकंदर का जूस जो है हम स्कैल्प पे लगाएंगे। पहली वाली जो हमारी है मॉडल, इनके सर में हम स्कैल्प पे बीट रूट जूस की एप्लीकेशन करेंगे खुजली और ड्राइनेस खत्म करने के लिए। और फिर आपको पता है चुकंदर का कलर कितना डीप होता है, मैरून कलर का होता है, पुराने जमाने में तो इसी को हम यूज करते थे लिपस्टिक बनाने के लिए, चीक्स के लिए, और फिर वेजिटेबल कलर्स, यही कलर्स हम यूज करते हैं अपनी लिपस्टिक परमानेंट लिप लाइनर्स बनाने के लिए। अच्छा, जो परमानेंट रहते हैं 5 से 6 साल के लिए। अच्छा, वेजिटेबल कलर्स होते हैं ये फेड नहीं होते, वही इंटेंसिटी उनकी कलर की रहती है हमारे लिप्स पे। सही, और उसी तरह आपके आईब्रोज और आई लाइनर्स जो है वो ब्लैक और ब्राउन से लगते हैं, वो भी वेजिटेबल कलर्स होते हैं। जो आज हम दिखाने लगे स्ट्रीक्स, बहुत कॉमनली आजकल लोग करा रहे हैं, कट डाउन करा के कराते हैं या लिफ्ट, डायरेक्ट लिफ्ट करा के कराते हैं, फिर भी कलर्स जो है वो फेड हो जाते हैं बालों में से ज्यादा एक्सेसिव वॉशिंग की वजह से, या अगर आप रेड टोन्स डलवाते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं आपके बालों में से, खत्म हो जाते हैं उनको। एक आप सैलून नहीं जाना चाह रहे, टाइम नहीं है आपके पास, आपको इंस्टेंटली कहीं जाना है, तो चुकंदर का जूस निकाला, ये भी हम पहली मॉडल पे करेंगे। स्ट्रीक्स जो है इनकी वो हम उनको ब्राइट रेड दोबारा से एक फ्रेश लुक दे देंगे। अच्छा, चुकंदर का जूस अगर पिए तो उसकी क्या फायदा है? चुकंदर भी बुनियादी चीज जैसे एंटीटॉक्सिन्स होती है और उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और चुकंदर का जूस दो हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत एक अच्छी गजा है, अगर उसमें कोई और बढ़ते हुए बच्चे, यानी कितने साल के बच्चों को? 11 साल से लेकर 22 साल तक। 11 साल से, अच्छा, बहुत अच्छी थी। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये कि चुकंदर का जूस जो है वो एंटी टॉक्सिन होने के साथ साथ एंटी हेपेटाइटिस, अगर चुकंदर के जूस को और गाजर के जूस को हम मिलाकर उसमें थोड़ा सा लेमन डालकर इस्तेमाल किया जाए तो वो लोग जो इनिशियल स्टेजेस में हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी दवा हो सकती है। जबरदस्त। अच्छा, फेस के लिए कौन सा फेशियल बता रहे हैं? फेस के लिए हम पीलिंग बता रहे हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक पीलिंग बता रहे हैं, जो कि जितनी भी ड्राइनेस है, फाइन लाइंस, एंटी एजिंग है, ये डार्क आपके जो फोल्ड्स पड़ जाते हैं, डीप फोल्ड्स, सॉरी, जो पड़ जाते हैं,
पिगमेंटेशन अपेयर होना शुरू हो जाती है, फ्रेकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। होम मेड पील है, आपने हफ्ते में दो से ज्यादा दफा इसको यूज नहीं करना। इसमें स्ट्रॉबेरी जूस है, बीट रूट जूस है। प्लीज कोई हमें दिखा सकता है वहां से जो चीजें बनाई हुई है? कैमरा फोकस कर रहा है, आप उठा उठा के जो नाम ले रही है वो उठाती जाइए जी। हाँ बताइए जी, स्ट्रॉबेरी आपने बताया, स्ट्रॉबेरी जूस है, बीट रूट जूस है, और हल्का सा इसमें हम लेमन डालेंगे। अच्छा। और ग्रीन टी डालेंगे इसकी थोड़ी सी जो स्ट्रांगनेस है वो जरा सी कम करने के लिए। चुकंदर का जूस, स्ट्रॉबेरी जूस और उसमें लेमन डालेंगे और साथ हम इसमें ग्रीन टी डालेंगे। ग्रीन टी डाल के अच्छा सा एक मिक्सचर बना लेंगे, फिर उसको कॉटन के साथ हम मुंह पे अप्लाई करना शुरू करेंगे। अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई करके इसको हम 15-20 मिनट्स के लिए रहने देंगे। रहने के बाद फिर एक एंटीऑक्सीडेंट पील ऑफ मास्क है, वो भी स्ट्रॉबेरी जूस और बीटरूट जूस को मिला के बनाना है, और उसमें हमने थोड़ा सा जेलेटिन डालना है ताकि वो पील ऑफ हो जाए। अच्छा, अच्छा। ये एक मास्क बन जाएगा, घर पे बन सकता है, सब घर पे बन सकता है। और ये एक साथ अप्लाई करें, जो आपने जूसेस बताए उनको भी अप्लाई कर लें, थोड़े 15 मिनट छोड़ने के बाद अप्लाई करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें। वॉश ऑफ नहीं करना, उसको धोना नहीं, और उसी के ऊपर आपने मास्क लगा देना है, ताकि मास्क जो है, क्योंकि हमने जब पील बनाई है, एसिडिक पील हमने मुंह पे लगाई है, तो उसका असर भी हमने एसिडिटी खत्म करनी है। तो उसके बाद हम वो पूरा मास्क मुंह पे लगा के 15 मिनट के लिए लगा देंगे, और ये एक टाइटनिंग मास्क भी होगा और आपका जो है सूदिंग मास्क भी होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक की एप्लीकेशन जरा ये खवातीन जिनको नहीं आती वो आपसे सीखना चाहेंगी, और लिपस्टिक के बाद फिर हम रेड डाइट पर आएंगे जो कि मुबशरा बताएंगी हमें जी। अच्छा, जैसे हमने थोड़ा सा 3 डिफरेंट शेड्स ऑफ लिपस्टिक्स यहाँ यूज किए, रेड के 3 डिफरेंट शेड्स हैं। तो बिकॉज द क्लोथ्स आर रेड, सब कुछ बहुत ज्यादा रेड रेड है, तो मैंने सिर्फ लिपस्टिक पे ही इनको जो है वो किया, और 3 डिफरेंट शेड्स, और नेचुरली लिप्स के शेप्स भी डिफरेंट है। तो हमें बात करें, जैसे सांवला रंग है, सांवला रंग पे कौन सा शेड रेड का सूट करेगा? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका आपके बिकॉज कलर्स में यू कैन नॉट से कि ये कलर, एट टाइम्स हम टीवी पे बोल देते हैं कि ये कलर उस कलर पे सूट करेगा, और डिजास्टर होता है जब वो खुद से लगा लेते हैं। देखिए, जैसे एक डीप मरून कलर होता है, मरून, क्या वो कौन से कॉम्प्लेक्शन मरूनिश? हाँ, मरूनिश जो डीप मरून थोड़ा सा होता है वो एक तो सांवले लोगों पे अच्छा लगता है। अच्छा, काफी अच्छा लगता है जी। लेकिन ब्लैकिश मरून नहीं, वो उनको और डार्क रेडिश मरून हो, थोड़ा सा रेडिश मरून जो खिलता हुआ, जो उनको फ्रेश कर देगा। ये इसको रेडिश मरून कहेंगे हम, ये रेडिश मरून, तो रेडिश मरून ये है, वो है जो ये रेडिश मरून, इसका क्लोज बनाएगा, ये रेडिश मरून है। ये टिपिकल रेड है, ये दूसरा वाला जो बहुत एक टिपिकल रेड होता है, चीखता हुआ रेड, ऑरेंजिश रेड, जी बिल्कुल ऑरेंजिश रेड भी कह सकते हैं। इस ये वाला थोड़ा सा डीप पिंकिश रेड जो होता है, जिसे पिंक का टिंच, जिसमें पिंक का टिंच भी आता है, लेकिन वो लगता है रेड, शॉकिंग पिंक और रेड, रेड को मिक्स करते हैं। आई हैव ऑलरेडी मिक्स्ड 2 शेड्स। अच्छा अच्छा, इसमें मैंने 2 शेड्स मिक्स किए, रेड का और शॉकिंग पिंक का डीप वाला। आपने कहा कि ग्लॉसी अगर रेड लगाते हैं तो वो इतना इंपैक्ट ग्लॉसी में होता है, ये मैं आपको बताती हूँ ग्लॉस क्यों रेड में मना करते हैं। इसका एक रीजन है, बिकॉज रेड लिपस्टिक इटसेल्फ इज सो शार्प एंड डार्क, अगर हम रेड ग्लॉस लगाते हैं तो वो ब्लीड आउट होने के बाद बहुत ही अजीब, दुल्हनों के दांत पे कभी लग जाती है। मेरी नंद की लगाई थी शादी पे, जो ब्यूटिशियन थी उन्होंने उसकी नथ से टकरा के सारी आप फैल गई। एग्जैक्टली, तो उसके वो अजीब, स्पेशली जिनको नथ पहनाई जाती है, टोटली वाटर प्रूफ लिपस्टिक होने चाहिए, बिकॉज रात तक तो फैल वैल के आप कार्टून बन जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये उसकी इसकी एप्लीकेशन, बहुत सारी खवातीन शायद जिन्होंने अभी रेड लिपस्टिक लगाई नहीं है वैसे, वो यहाँ फैला लेती है। नहीं, आपको अपने साइड जो है कॉर्नर्स जितने भी है उनको अंदर रखना है। जरा आप ब्रश की एप्लीकेशन बता सकती हैं? मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप जो है अपने कॉर्नर्स को अंदर रखेंगे। किसके लिप्स? आपके आज प्यारी थी हम। अच्छा, इनके जैसे आप बताएं जरा, थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। जैसे कॉर्नर्स, जैसे इनके भी उठते हुए कॉर्नर्स है, ये उठ रहे हैं, तो इनको उठाना नहीं है, हमें थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ही रखना है, क्योंकि बहुत ही अजीब से लिप्स हो जाते हैं अगर आप उनको बहुत उठा दें कॉर्नर्स को, ये पसीना सा वो है। तो थोड़ा सा सेफर साइड रखें, बिकॉज लोग कोशिश करते हैं जितने भी बड़े लिप्स हैं उनको और बड़ा कर दें, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेड लिपस्टिक, उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट रखना, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अंदर ही रखें, थोड़ा सा अंदर ही रखेंगे आप तो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा, बनिस्बत ये कि बहुत ज्यादा। आंटी जल पटाखा लग रही है, क्या बात है। मतलब ये एक तरह से ना
अंदरूनी फिलिंग हो रही है बिल्कुल अंदर, लेकिन आप हाँ लेकिन आप लिप लाइनर को भी अंदर आप अपने ले सकते हैं हाँ। मगर अंदर अंदर आप देखें इनके लिप्स अगर कोई बनाएगा तो वो यहाँ तक लिप भी ला सकता है हाँ, और वो बुरा हो जाएगा यही मैं जब से बता रही हूँ कि वो बुरा लगेगा मैं इनका कंप्लीट कर दूँ बहुत बुरा लगेगा कि हाफ लिपस्टिक इनकी डन हो गई ठीक है यही बताएगा कि विद इन योर लिप लाइन ठीक है अच्छा जी तो जी रेड लिपस्टिक भी हमने बता दी रेड डाइट रह गई जो कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे रेड कपड़े कौन सी वैरायटी हमारे पास एक डिजाइनर है जो रेड कपड़ों के बारे में बताएंगे और रेड डाइट रह गई है वो हम आपको बताएंगे फिर आ गई है ओफ इनके शौक नहीं खत्म हो रहे मैं क्या करूं यार अरे यार शादी वीक नहीं हो रहा भाई हम बात बात मुस्तफा के पास शादी वीक हो रहा है वहां चली जाए अल्लाह अरे भाई शादी का नहीं है शो आज आपको कभी मैंने शादी के शो में बुलाया है बताए मैडम तुम्हें बुलाया शादी के शो में फिर आगा साहब आपको बुलाया कभी शादी कभी, के शो कभी अल्लाह ही कसम नहीं बुलाया कभी भी नहीं फिर मर्दों वाला गाना लगा दिया अरे लाल चुनरिया वाली आपकी आवाज मर्दाना क्यों हो रही है कलर कि जिसको देखने की वजह से इमोशंस एकदम उजागर हो जाते हैं रोजाना एक नया कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आज का कॉन्सेप्ट भी बड़ा जबरदस्त और नया होगा वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और जनाब अब बारी है रेड डाइट चार्ट आप तक पहुंचाने की जिसकी वजह से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं और रेड डाइट का चार्ट जो है मेरी टीम फटाफट स्क्रीन पे लगा दे ताकि आप बता सकें मुबशरा बता सकें मॉर्निंग में रेड स्ट्रॉबेरी शेक हम ले सकते हैं स्ट्रॉबेरीज हमने लमसम नहीं डालनी है मीन्स ज़्यादा नहीं डालनी 3-4 स्ट्रॉबेरी हम डाल के मिल्क में उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे 11 बजे के टाइम पे आप एक एप्पल ले सकते हैं फिर लंच पे सारी रेड वेजिटेबल्स जिसमें हम रेड पेपर ऐड कर सकते हैं यानी शिमला मिर्च है कैरेट्स उसके अंदर ज़रूर ऐड करें क्योंकि कैरेट्स के डिफरेंट शेड्स होते हैं रेड भी है ऑरेंज भी है और ग्रीन भी होते हैं बाय द वे सो सारे वेजिटेबल जो भी रेड्स हैं उसको हम साथ कंबाइन करके वेजिटेबल अगर उसके अंदर थोड़ा सा हम थाइम ऐड इन करें जो एक स्पाइस होता है बिल्कुल हर्ब होता है तो वो एक अजीब सा मीन्स स्मेल मैरिनेट होता है तो वो भी एक अच्छी डाइट फॉर्म हो सकती है चार जी रेड किडनी बीन्स यानी शिमला मिर्च कुछ लोगों को अगर बहुत ज़्यादा बादी है या गैस्ट्राइटिस है तो वो इस्तेमाल ना करें बट बहुत अच्छा सोर्स है अगर रेड किडनी बीन्स हम इसमें इस्तेमाल करें यानी बॉयल करके उसमें थोड़ा सा पेपर डाल के सारे पूरे सैलड के अंदर मिक्स अप करके ये आप बॉल खा सकते हैं 250 एंड देन 4 बजे आप अनदर कोई भी एक फ्रूट ले लें यानी एक एप्पल ले सकते हैं या स्ट्रॉबेरीज है या वाटरमेलन का कप आप ले सकते हैं 6 बजे के अंदर अगर आपको ड्राइड कहीं से ग्रेप्स आउट मिलते हैं या रेड ग्रेप्स मिलते हैं वो भी ऐड इन कर सकते हैं 8 बजे के टाइम पे अगेन आप सी फूड का इस्तेमाल करें अगर नहीं अवेलेबिलिटी है या अगर नहीं आप पसंद नहीं है सी फूड तो आप इसके साथ वेजिटेबल्स मैरिनेट करके या कोई भी इसके साथ सॉसेज यानी टोमेटो सॉस में करके यूजली रेकमेंड मैं नहीं करती बच्चों के लिए स्पेशली पास्ता क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स ही ओनली रेड डाइट आप तो दुबले होने के लिए बता रही जी बिल्कुल दुबले होने के लिए क्यों दुबला नहीं काफ़ी होते हैं कि जुवेनाइल डायबिटीज के पेशेंट्स भी रहते हैं या अगर 8-10 जो बच्चे बहुत ज्यादा ओबीस भी रहते हैं तो उनको कॉन्स्टेंटली खाने की एक आदत होती है तो मेक श्योर करें जी कहने को डाइट है पर इतना कुछ आपने बता दिया है क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम है ये नहीं कि आप 250 ग्रामेज की बहुत बड़ा बाउल लें क्योंकि इसमें क्वांटिटी आपने बहुत कम करनी है यानी 100 ग्राम्स तक आप ले सकते हैं ये उन लोगों के लिए जिनको बिंजिंग करने की आदत है यानी कॉन्स्टेंटली खाने की कुछ ना कुछ खाना है कुछ ना कुछ खाना है ये जो फ्रूट्स है ना ये ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फूड है इसलिए थोड़ी देर पहले खा लिया पहले लगता है आपको कि पेट भरा हुआ है थोड़ी देर बाद आपको फिर भूख फिर भूख लगना चाहिए बिल्कुल अंबर खान हमारे साथ हैं डिजाइनर आपकी डाइट कंप्लीट हो गई ना जी दूसरी भी है बट इट्स ओके अच्छा अंबर खान हमारे साथ हैं डिजाइनर और उनके जो रेड कलर की जो वो है क्या कहते हैं कलेक्शन सॉरी कभी कभी ऐसा होता है ना दिमाग से अल्फाज खो जाते हैं खत्म हो जाते हैं वो हम आपको दिखा जाएंगे अंबर खान प्लीज आप अपने जरा कपड़ों पे नजर डालें रोशनी डालें और हमें बताएं
रेड कलर में मुख्तलिफ कट्स हैं, मुख्तलिफ कढ़ाइयाँ हैं, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हैं जो हम आपको आज दिखा रहे हैं, जो कैजुअल आप पहन सकते हैं शादी ब्याह में नहीं, लेकिन पार्टी है बर्थडे कैजुअल आप एक, ये सिंपल सा कट है ना, इसके साथ ये कि देखिए आप थोड़ी सी हैवी खवातीन भी हैं तो वो आपका कवर हो जाएगा, आपका बॉडी शेप नहीं दिखेगा इसमें। आपकी बुटीक किस नाम से है? अंबस बुटीक। अंबस बुटीक और कहाँ है ये? मेन जमजमा पे है। अच्छा, मेन जमजमा पे। अब ये थर्ड लेन रेडी टू वेयर मिलता है? रेडी टू वेयर मिलता है और बहुत रीजनेबल प्राइसेस। इसकी क्या प्राइस होगी तकरीबन? एग्जैक्टली इसकी 5000। 5000 है, बड़ा रीजनेबल है। आप अगर आप टेलर के पास जाते हैं कपड़े इतनी ख्वारी करके तो भी नहीं आप मतलब इतना अच्छा वो बनवा सकते। बिल्कुल, हम रीजनेबल इसीलिए हमने रखा है कि हर कोई, क्योंकि एक इमेज है कि जमजमा पे जो है ना वो एक्सपेंसिव, बहुत महंगे ड्रेसेस। तो ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप जोड़े की तरफ आइए। तो ये देखिए, ये भी बड़ा प्यारा है जिसपे रेड के साथ फ्लैरी चल रहा है, फ्लैरी चल रहा है आजकल, फ्लैरी इतने ज्यादा फ्लैरी। प्रेग्नेंट खवातीन भी पहनती तो पता नहीं चलता कि प्रेग्नेंट है। ये हर तरह के कपड़े आजकल बन रहे हैं। अच्छा जी, ये इसकी क्या प्राइस है? इसकी 20,000। अच्छा, इसकी 20,000 है ये। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये बताइएगा, ये थोड़ा सा शादी वगैरह में पार्टी के लिए है कि लाइट कोई फंक्शन वगैरह है। हाँ, इसकी क्या प्राइस है? ये 25,000। ये 25 का है। अच्छा, और ये है ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन जो कि हमेशा रहता है। ये 5000। अच्छा, हर रीजनेबल मतलब हर प्राइस में किसी भी वैलेंटाइन के लिए, किसी भी एग्जैक्टली कोई लाइट वेयर। अब ये बिल्कुल, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई गोटा किनारी कोई नहीं चीज पसंद होती, प्लेन कोई कट चाहिए, कोई गला चाहिए आपको, ये सीधा है, ये एग्जैक्टली ये फॉल है, ये फॉल है। और जिस तरह आपने कट दिया हुआ, इसमें भी लुक पतली आती है, यहाँ प्रिंटेड है तो यहाँ जी बिल्कुल, और पीछे इसका पूरा प्रिंटेड है। हाँ, ये ग्रे के साथ, ये कितने का है? ये भी 4000। ये 4000 का है। अच्छा, और फिर हम ये थोड़ा सा और हैवी इसमें आ जाते हैं शादी ब्याह के। ये शादी ब्याह के, हाँ जी, इसका कच है, ये 25,000 का है ये भी। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? ये वाली 15,000 है। हाँ, देख पा रहे हैं भाई? अच्छा अच्छा, और ये बस ये कि ये मतलब हर कोई आए शॉप पे तो ये नहीं हो कि नहीं जी हम नहीं ले सकते इस प्राइस में। हाँ, तो हर सबके लिए हमने रीजनेबल प्राइस रखे हैं कि जी 4000 इसका भी। इस ये फ्रंट है? हाँ जी, फ्रंट है, और ये इसका बैक है। ये 4000 है। हाँ, पेंट्स में ये कुछ लोग सिंपल पहनना पसंद करते हैं उनके लिए भी। अच्छा, ये भी, ये बॉक्स प्लेट डला हुआ है इसमें, बिल्कुल मतलब लाइट का लाइट है और आप कहीं भी पार्टी वेयर कर सकते हैं। इसकी क्या? 10,000। ठीक है, पूरा कामदानी वर्क हुआ है। बाकी और भी कलर्स हैं, और भी चीजें हैं जो आप आ जाइए अंबर की बुटीक पे, आप जाके देख सकते हैं जमजमा पर। आगा साहब, मुझे आप ब्रेक के दौरान कुछ बता रहे थे कि स्किन के जो पोर्स है, जो हम मेकअप करते हैं उसको आप क्या बता रहे थे कि किस चीज से सही? उसमें जो बेस लगाते हैं वो हमारे फॉलिकल्स को बंद कर देते हैं जी। और आमतौर पर वो लोग, जिस तरह आप रोजाना शो करती हैं, रोजाना आपको बेस लगाना पड़ता है जी, तो उसमें स्किन में प्रॉब्लम आती है। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आज हम रेड की बात कर रहे हैं तो रेड में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि टोमेटो का पल्प, उसमें आप गुलाब की पत्तियां ऐड कर लें। ठीक है, पल्प अगर 50 ग्राम हो तो उसमें तकरीबन 20 से लेकर 25 हम पत्तियां गुलाब की ऐड कर लें, और उसमें 1 टेबलस्पून जौ का आटा ऐड कर लें। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह शेक कर लें, अपने चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद मुंह धो लें तो जो हमारे फॉलिकल्स हैं वो तक बिल्कुल साफ हो जाएंगे और डीप क्लींजर के तौर पे ये काम करेगा। लाली आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और वो भी कहते हैं कि धूप से आप एकदम, जब लड़कियां, टीनेजर लड़कियां कॉलेजेस से आती है और धूप से आती हैं एकदम घर में, तो अगर आधा टमाटर काट के फ्रीज किया हुआ और वो आकर वो अपने उस पर लगा ले फेस पर, तो बेसन के साथ, अच्छा बेसन के साथ, तो फिर वो टैन नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑयल को भी वो, बिकॉज ज्यादातर ऑयली स्किन होती है, यंग दाने निकलते हैं और काला हो जाता है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि अगर हम रेड ही की बात कर रहे हैं तो गुलाब की पत्तियां बहुत सारी एक जग में डालकर अपने फ्रिज में रख दें, पानी भर के रोजाना उसको दबाकर उसमें से पानी निकाल लें और अपने चेहरे पर लगा लें, तो फ्रेश एक लुक भी आएगा और वो जो थकन की कैफियत है वो जरूर ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आप सारे जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं उनका, कि आपने हमारे जो रेड कलर का कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचाया। लाल रंग जो ये नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की है, और क्या क्या फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिसमें खजाना छुपा हुआ है, ये सब बताया। पिज्जा बहुत अच्छा था, पिज्जा बहुत मजेदार, और ये आज मेरे बच्चों के लिए बनने वाला ब्रेकफास्ट। हाँ, फिर आ गई है, बैठ जा, कर दे तेरी शादी, आओ लाओ भाई फूल लाओ, आ लाओ, देना जरा एक बार फूल, हार देना भाई।
शौक